हॅलो आरे आवाज हॅलो हॅलो कमेंट तेव्हाच येईल स्टुडंट तिकडून कधी परमिशन भरतो तेव्हाच भरतो हॅलो सर आवाज आरे हॅलो हॅलो ये आता येतो आवाज सौरभ येतो खरे आवाज बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ले वापस एक बार आ जाओ फिर यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं सब लो? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं सो so इ कल हमने चालू किया था इनकम टैक्स तो कल जो पढ़ा था उसके बारे में एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे तो हम जो पेपर पढ़ने वाले हैं उस पेपर का नंबर है पेपर नंबर थ्री टैक्सेशन टैक्सेशन कितने मार्क्स का होने वाला है हंड्रेड उसमें से फिफ्टी मार्क्स का क्या रहेगा इनकम टैक्स फिफ्टी मार्क्स का क्या रहेगा जीएसटी अब एक बात बताओ गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है क्योंकि गवर्नमेंट को आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है इंडिया को रन करना है इंडिया को डेवलप करना है एंड उसके लिए मैं बता दू कौन सी दो चीजों की जरूरत होती है सबसे पहला पावर और दूसरा पैसा पावर कहां से मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पावर दे रखी है कि भैया गवर्नमेंट चाहे तो लॉ बना सकती है किसी भी मैटर पे और आपको पता रहेगा आर्टिकल नंबर कौन सा होता है 246 उसमें तीन लिस्ट है कौन कौन सी पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट दूसरा स्टेट लिस्ट तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में ऐसे मैटर दे रखे हैं जिसपे लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है स्टेट लिस्ट में ऐसे मैटर दे रखे हैं जिसपे लॉ बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है एंड कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे मैटर दे रखे हैं लॉ बनाने का पावर दोनों के पास है यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर कौन सा होता है इनकम टैक्स एटी टू एटी टू यह बोलता है कि हमारी गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लेने का लॉ बना सकती है लेकिन कौन सी इनकम को छोड़ के एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के अब क्वेश्चन ही आता है कि क्या एग्रीकल्चर इनकम जो है उस उसपे कोई टैक्स लगता ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है और स्टेट लिस्ट का कौन सा है एंट्री नंबर 46, 46 ये पावर देता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है बट आज की डेट में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेती है उसके बाद में हमने देखा कि भैया पैसा कहां से आता है तो पैसा है वो तीन जगह से आता है सबसे पहली चीज तो गवर्नमेंट खुद के बिजनेसेस करती है और गवर्नमेंट बिजनेसेस करती है बिजनेसेस से से पैसा पैसा कमाती है है जितना पैसा चाहिए होता है, टोटल उतना पैसा नहीं आता है तो गवर्नमेंट अपने से मांगती है और गवर्नमेंट के पेरेंट्स में कौन आते हैं लोग आते हैं आप लोग आते हो पीपल ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडिया से कैसे पैसे मांगती है इन द फॉर्म ऑफ द टैक्स टैक्सेस दो तरह के होते हैं एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका टैक्स है उससे डायरेक्टली ले लेंगे जैसे मेरा टैक्स है तो मेरे से ही गवर्नमेंट लेगी इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स इन डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि कलेक्शन किसी एक पर्सन से होता है बट अल्टीमेटली उसका बर्डन है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पे शिफ्ट होता जा, जाता है Miss, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है ना उस पर बर्डन शिफ्ट हो जाएगा जीएसटीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो रहा है देखो कलेक्शन तो मेरे से हो रहा है बट अल्टीमेट बर्डन है वो मैं कंज्यूमर पेफ्ट कर रहा हूं जो सर्विस या गुड्स को यूज कर रहा है अल्टीमेट बर्डन उस पर शिफ्ट हो जाता है उसके बाद हमने देखा था कि मुझे एक बात बताओ हम क्या पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं या एक्ट पढ़ने वाले हैं हम जो है वो इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं तो लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है लॉ जो होता है कि वाइडर टर्म होता है ये एक इंडियन क्रिकेट टीम है जिसमें आपका एक्ट भी आ जाएगा रूल्स भी आ जाएगा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा सर्कुलर भी आ जाएगा केस लॉज भी आ जाएगा वो सबका जब अपन डिस्कशन करेंगे तो बोला जाता है कि हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं चलिए अब ये जो सेक्शन होती है इन सेक्शंस को कैसे मतलब रीड किया जाता है तो सबसे पहले नंबर पे लिखा होता है उसको सेक्शन बोलते हैं उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं सबसेक्शन उसके बाद वाले को क्लॉज उसके बाद वाले को सब क्लॉज लेकिन गाइस जो सेक्शन नंबर टू में सेक्शन नंबर आपका टेन में और सेक्शन नंबर आपका फोर्टी सेवन ये तीन ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है इनकम टैक्स में कि जो भी सेक्शन के पास में लिखा होगा उसको आप सब सेक्शन नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे क्लॉज क्या बोलेंगे क्लॉज कैसे पता करने का तो क्या होता है ना देखो अगर मान लो कोई ऐसी लिस्ट होती है सेक्शन है उसके बाद में तो अगर उनका आपस में इंटरलिंक है तो तो है सब सेक्शन और अगर इंटरलिंकेज नहीं है तो क्या माना जाएगा क्लॉज उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हम इस सब्जेक्ट में करने वाले क्या है तो इस सब्जेक्ट में बड़ा सिंपल है हम है किसी भी पर्सन की इनकम निकालने वाले हैं और उस इनकम पे क्या निकालने वाले हैं टैक्स इनकम जो है वो फाइव हेड में डिवाइड होती है अब ये फाइव हेड में क्यों डिवाइड होती है उसके दो रीजन है पहला रीजन तो ये रहता है कि बहुत सारी इनकम पे टैक्स रेट अलग अलग होती है जैसे कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्स रेट अलग होगी बिजनेस की इनकम पे टैक्स रेट अलग होगी दैट इज द फर्स्ट रीजन रीजन एंड ये होता है कि हर हेड में इनकम कैलकुलेट करने का मेथड अलग अलग होता है बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करने के लिए अलग मेथड है आपके सैलरी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए अलग मेथड है तुम्हारा जो अदर सोर्सेज है उसकी इनकम कैलकुलेट करने के लिए अलग मेथड है इसके लिए इनकम को फाइव हेड में डिवाइड किया जाता है अब एक बात समझो इनकम टैक्स आपको पढ़ने के लिए आपको इनकम टैक्स लॉ का नॉलेज होना चाहिए अब इनकम टैक्स लॉ का नॉलेज होना चाहिए और आज से हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीजें आती है आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए शायद इतना हुआ था कल बोलो यस और नो चलिए जितने भी हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जिनका नाम ले लेते हैं सोनल प्रिया तनय कुशल मुस्कान लक्ष्य ऋतिक बाकी आप मुझे फटाफट जा रहे तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ तो सब लोगों को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो अभी नए नए हो अभी तो दूसरा दिन है आज तो पहली चीज तो यह है कि ना दो चार दिन तो आपको ऐसा लग सकता है कि सब्जेक्ट एकदम क्या है ये तो नया नया है लॉ ही पढ़ रहे हैं वैसा नहीं है जैसे जैसे अपन प्रैक्टिकल चालू करेंगे आपको और ज्यादा मजा आने लगेगा तो आप रुक जाइए सिर्फ एक और दिन रुक जाइए कल से मोस्टली हम प्रैक्टिकल सीखेंगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है तो आपको कितना टैक्स लगता है बिकॉज़ आपके आजू बाजू वाले लोगों को जब पता चलता होगा कि आप सीए कर रहे हो तो लोग आपसे ये तो जरूर पूछते होंगे कि टैक्स बचाने का तरीका बता दो पूछते नहीं पूछते सबसे ज्यादा आई थिंक सीए वालों को यही पूछा जाता है कितने लोगों को नींद आ रही है भाई साहब नींद आती है तो क्या करने का बताए जिस जिसको नींद आती है वो वहीं पे खड़े हो जाने का और खड़े होके अपने आप को थप्पड़ मारने का दो चार तो नींद है वो भाग जाएगी क्योंकि बहुत दिनों बाद आप ऐसे मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत बना रहे हो इतने दिन से तो जल्दी उठे नहीं थे आराम से रात को तीन बजे तक तो हम सोशल मीडिया पे मैसेज करते रहते हैं वहां पे इंस्टाग्राम है टेलीग्राम है और वो स्नैपचैट भी है ना आजकल तो उस उसपे क्या मिलता है उसको क्या बोलते हैं स्नैप्स मिलते हैं क्या है? स्ट्रिक तो उससे क्या होता है उसका कुछ रिडम्शन वगैरह भी करा सकते हैं भाई क्लासेस का फीस भरना है तो बोला हमारे पास ये देखो स्ट्रिक्ट है यहाँ पे हो गया पचास हजार इसमें से कुछ अगर रिडम्शन वगैरह होता है मैंने एक दिन पूछा किसी से मैंने मेरे को किसी ने डाउनलोड करा लिया जबरदस्ती बोलता है कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी बोला अब इसमें एवरीडे आपको स्ट्रिक्ट मिलेगी तो मेरे को लगा इसका कोई बेनिफिट होता होगा मैंने पूछा भाई इसका कोई बेनिफिट है बोला कोई बेनिफिट नहीं है और अगर उस किसी दिन आप नहीं करो तो वो टूट जाता है ना ओ भाई साहब मतलब कंपनियों को कितना पता है कि इंडिया में कैसे लोग हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है सोचो और आगे वाला फिर फोन करके बताता भी है कि भाई आज तूने भेजा नहीं मुझे तू भेज नहीं तो भाई हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा आज तो वैसी वाली बात है तो ऑनलाइन वाले बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलिए हम क्लास हमेशा साढ़े सात बजे चालू कर देंगे मतलब चालू कर देंगे स्टार्टिंग के दस मिनट लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा होगा उसको हम रिवाइज करेंगे उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू करेंगे करके ठीक है चलिए हम चालू करते हैं आज से इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा तो चलिए इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहला इसका जो कैप्टन होता है टीम का उस कैप्टन का नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब आप बोलोगे कि सर ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ओ भाई चला गया क्या किया तुमने वो उसको दबा दिया वो घूम रहा है देखना ओ भाई साहब ये सबको दिखा रहा है ओ भाई साहब जो बच्चे नींद में थे वो भी ऑनलाइन चले गए ठीक है जो बच्चे नींद में थे वो भी ऑनलाइन चले गए ऑनलाइन उनको लोग देख रहे होंगे ओ भाई साहब आज तो आपको ऑफर आने वाले हैं इंस्टाग्राम पे आज तो आपको बहुत सारी रिक्वेस्ट आने वाली है ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे होंगे ये क्या हुआ ऐसा ही होता है पता है एक एक लेक्चर में बच्चा सो रहा होता है एकदम ठीक है और वो वहां दिख जाता है बेचारा और उसको उठा रहे भाई उठ 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 करके ठीक है ही नहीं पा रहा है चलिए इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन आपको कुछ लिखना नहीं है आप इधर देखो देखो इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन जो है ये आपका मेन है जिसको अपन बोल सकते हैं रोहित शर्मा क्रिकेट टीम का इसमें हर चीज लिखी हुई है कि असेससी कौन होगा पर्सन कौन होगा टैक्स किसको लगेगा डेप्रिसिएशन कितना अलाउ होगा आपको टैक्स जो है वो कब पे करना है सब चीजें इस इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है इस इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें सेक्शंस होती है और जो सेक्शंस होती है सेक्शंस के बाद में या तो सब सेक्शन होती है या क्लॉजेस वगैरह होते हैं अब एक बात समझना सेक्शन के अंदर बहुत बार आपको प्रोवाइजो देखने को मिलेंगे और बहुत बार आपको एक तो होता है प्रोवाइजो कोई भी प्रोवाइजो और एक होता है एक्सप्लेनेशन आपने ये कहीं ना कहीं फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा कि एक सेक्शन होती है उस सेक्शन के अंडर सेक्शन में चीजें लिखी होती है उसके बाद प्रोवाइजो आता है एंड एक्सप्लेनेशन आता है मुझे बताइए आप में से कोई बता सकता है प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है और एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है जैसे ये तुम्हारे लिए मैं लेके आया इनकम टैक्स एक्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं इनकम टैक्स इंडिया जी ओ वी डॉट इन हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहां पे, पे और इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी सेक्शन है जैसे 500, 600 के आसपास सेक्शन है बट 298 नंबर तक है चलो मैं एक सेक्शन पे गया जैसे ये रहा 80, जी सी करके एक सेक्शन का नंबर है मैं वहां पे गया और ये सेक्शन में जैसे ही गया यहां पे दे रखा है सेक्शन एटी जी जी सी उसके नीचे प्रोवाइजो इसको बोला जाता है प्रोवाइडेड दैट और उसके नीचे एक दे रखा है एक्सप्लेनेशन अब एक बात बताऊं बहुत सारी सेक्शन में हो सकता है मल्टीपल प्रोवाइजो हो पहला प्रोवाइजो फिर दूसरा प्रोवाइजो फिर तीसरा प्रोवाइजो फिर, फिर चौथा प्रोवाइजो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप लॉ को पढ़ेंगे पहला प्रोवाइजो होता है वहां पे लिखा होता है प्रोवाइडेड दैट सेकेंड प्रोवाइजो होगा ना वहां पे प्रोवाइडेड दैट नहीं होगा सेकेंड प्रोवाइजो में लिखा होगा फर्दर प्रोवाइडेड दैट क्या लिखा होगा फर्दर प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट या तो फर्दर प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट थर्ड प्रोवाइजो में भी ऐसा ही होगा फर्दर प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ठीक है जैसे मैं आपको एक सेक्शन बताता हूं जहां पे आपको मल्टीपल प्रोवाइजो देखने को मिलेंगे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे एक सेक्शन लेता हूं सेक्शन का नंबर है फिफ्टी सी चलिए हम चले गए एक सेक्शन पे और उस सेक्शन का नंबर है फिफ्टी सी फिफ्टी सी में आप देखोगे वहां पे बहुत सारे प्रोवाइजो हो सकते हैं तो जैसे ये देखिए यह सेक्शन है फिफ्टी सी सब सेक्शन वन पहला प्रोवाइजो चालू होता है यहां लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट दूसरे प्रोवाइजो में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर दैट तीसरे प्रोवाइजो में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट चौथा प्रोवाइजो होगा तो भी लिखा होगा प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट करके ठीक है तो मुझे एक बात बताओ अगर एक सेक्शन डाल दी तो सेक्शन में प्रोवाइजो की क्या जरूरत होती है क्या अहमियत होती है आप मुझे बताओ प्रोवाइजो को मतलब होता क्या होगा हाँ, किसको बोलते प्रोवाइजो सेक्शन तो डाल दी अब उस सेक्शन के अंदर कुछ प्रोवाइजो डाले जाते हैं उस का मतलब क्या होता है तो अपन आपसे क्वेश्चन पूछे थे अरे सर हमने तो फाउंडेशन में बताया था कि प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है चलिए प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है कौन बताएगा यस 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 दीदी एक्सेप्शन जब भी कोई सेक्शन डाली जाती है उसमें कुछ चीजें लिखी होती है अगर उसमें कोई एक्सेप्शन क्रिएट करना है क्या चलो ये तो है ही है बट इसमें कुछ एक्सेप्शन डालना है या कोई कंडीशन डालनी है तो उसके लिए प्रोवाइजोर डाला जाता है कि एक सेक्शन डाल, डाल दी गई और उस सेक्शन में कुछ एक्सेप्शन डालना है कुछ एक्सेप्शन या फिर यू कैन से कि उससे अलग कोई चीज डालनी डालनी है कुछ डालनी है कुछ कंडीशन तो उस सेक्शन में प्रोवाइजो डाला जाता है चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करेंगे जैसे एक सेक्शन है एटी जी जी सी करके आपने देखा होगा कल एक आपने न्यूज मार्केट में बहुत ज्यादा मार्केट में सुनी होगी कल एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कुछ याद है आपको किसी ने सुना कल एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके किसी ने सुना ये सर हम तो न्यूज तो देखते ही नहीं है सर न्यूज तो पापा पहले देखते थे घर पे तो और पापा जब न्यूज लगाते थे तो हम चले जाते थे कहीं पे ठीक है और आजकल न्यूज देखने जैसी होती नहीं है वहां पे लड़ाइया होती है घर के ठीक है वहां पे खिड़कियों में चार लोगों को बिठाया जाता है और एक बंदा रहता है वो मुर्गे लड़वाता है करके ठीक है बोला तू बोल करके ठीक है उसको बोलता है अब तू बोल तो ऐसी तो इंडिया में न्यूज होती है बट कल एक बहुत ब्यूटीफुल न्यूज आई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है बहुत ही खतरनाक चीज थी कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको हम बैन कर देते हैं मतलब अभी से इलेक्टोरल बॉन्ड आगे नहीं रहेगा अब हो सकता है गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दे और वापस से इलेक्टोरल बॉन्ड को ला ले इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था पता है आपको एक बहुत ही प्यारी चीज थी जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या इलेक्टोरल बॉन्ड एक चीज हुआ करती थी कल सब लोगों ने न्यूज देखी होगी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और बहुत ज्यादा चर्चित हुआ ये मैटर इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी मिस्टर बीबी मैं एक बंदा हूं अब एक बात समझना मुझे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है अब एक बात समझना पहले क्या होता था कि जैसे ही आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो जैसे मेरी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल लीडर है मायावती करके कौन है मायावती अरे मैं मजाक कर रहा हूं ऐसे सीरियसली मत लिया करो बोलो ओ मायावती ठीक है बिकॉज बीजेपी कांग्रेस बोले तो लोगों को हर्ट हो जाता है मायावती बोलो तो किसी को हर्ट नहीं होता ठीक है तो मेरी फेवरेट पॉलिटिशियन है मायावती मायावती की पार्टी का नाम क्या है बी बहुजन समाज पार्टी ना ऐसा ही है ना बहुजन समाज विकास आगाड़ी नहीं पार्टी एक बहुजन समाज विकास आगाड़ी भी है मुंबई में पार्टी तो बीएसपी करके है ये बीएसपी हमारी पार्टी है जिसको मैं सपोर्ट करना चाहता हूं तो पहले क्या होता था कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो तो आपका जो नाम है ना वो डिस्प्ले करना पड़ता था अगर आपने टेन थाउजेंड से ज्यादा का डोनेशन दिया तो टेन थाउजेंड से ज्यादा का डोनेशन अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देते हो तो आपका नाम दुनिया को पता चल जाता था मैं सबको पता रहता था बीबी -बी सर ने मायावती को डोनेशन दिया है या अंबानी जी ने मान लो बीजेपी को डोनेशन दिया है या अदानी जी ने बीजेपी को डोनेशन दिया है या जिंदल वाले ने मान लो कांग्रेस को डोनेशन दिया है या तुम्हारा क्या बोलते हैं बजाज वाला है उसने आम आदमी पार्टी को डोनेशन दिया है या हमारे विशाल सर ने मान लो शिवसेना को डोनेशन दिया है तो ये क्या मार्केट में पता चलता था तो अरुण जेटली जी जब थे अभी तो रहे नहीं बट अरुण जेटली जी जब थे उन्होंने एक दिमाग लगाया उन्होंने क्या किया एक नया कंसेप्ट लेके आ गए जिसका नाम दिया इलेक्टोरल बॉन्ड करके और इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करने की पावर दे दी एक बैंक को जिसका नाम है एसबीआई एसबीआई को पावर दे दी अब क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या था कि मैं जाऊंगा एस के पास और एसबीआई को बोलूंगा कि मुझे एक इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो और इलेक्टोरल बॉन्ड है वो टेन थाउजेंड वन लाख टेन लाख वन करोड़ तक का आता था एक बॉन्ड एक करोड़ तक का भी आता था अब मैं क्या करूंगा इससे वन करोड़ का बॉन्ड है वो मैं खरीदूंगा एसबीआई से पैसा एसबीआई को दूंगा और वही वाला बॉन्ड ले जाके और मैं मायावती की जो बीएसपी पार्टी है उसको मैं एज अ गिफ्ट दे दूंगा एज अ डोनेशन दे दूंगा और गाइज हमारी आइडेंटिटी कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं होगी मतलब ये किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया मतलब ये तो पता चलेगा कि हमने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है बट ये पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है यह चल रहा था 2017-18 के आसपास से यह चल रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड करके एक ऐसी धांधली वाली चीज ला ली थी जिसमें क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलता था और जो पर्सन डोनेशन देता था उनके बीच में आप इंफॉर्मेशन पता नहीं रहती थी जैसे मैं बोलूंगा मैंने एक करोड़ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है मुझे इसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी मीस इनकम टैक्स में मैं जो है वो टैक्स भी बचा लूंगा इनकम टैक्स में एक सेक्शन होती है एटीजीजीसी करके और एटीजीजीसी में बोला है कि पॉलिटिकल पार्टी को आप जितना डोनेशन देते हो उसपे हंड्रेड परसेंट की आपको डिडक्शन मिल जाती है मीन हंड्रेड परसेंट आपको छूट मिल जाती है और इतने इनकम पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता जैसे मान लो मेरी इनकम है वो वन करोड़ थी उसमें से वन करोड़ का मैंने डोनेशन दे दिया तो मेरे को इनकम टैक्स है वो सिर्फ फिफ्टी लैक्स भरना पड़ेगा उस वन करोड़ पे मुझे है है वो टैक्स टैक्स की जरूरत ही नहीं है। अब एक बात समझो मेरे को इनकम में छूट मिल गई और मायावती को यहां बीएसपी को ये को एक करोड़ का डोनेशन मिल गया लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन किसी को इस दुनिया में पता नहीं चलेगी कि मैंने बीएसपी को डोनेशन दिया है ऐसा मार्केट में एक फंडा चल रहा था इसको बोलते इलेक्टोरल बॉन्ड और मैं बता दू ये लास्ट के पांच छह सात साल से चल रहा था लोगों ने बोला कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये गलत है क्योंकि बहुत बार क्या होता है जैसे मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा लेना है जैसे मान लो मेरे को फायदा लेना है और यहां पे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है वो सिंधे साहब की है मैं क्या करूंगा सिंधे साहब की जो शिवसेना है उसको मैं चुपके से इलेक्टोरल बॉन्ड का डोनेशन दे दूंगा और मैं उनसे पॉलिटिकल फायदा ले लूंगा और दुनिया को तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि सबकी आंखों में पता ही नहीं चलेगा कहीं इसका रिपोर्टिंग ही नहीं होता पता ही नहीं चलता था कि मैंने सिंधे साहब को जो है वो सिंधे साहब को डोनेशन दिया है ये एक फंडा निकाला था इलेक्टोरल बॉन्ड का इन पॉलिटिशियन लोगों ने सब मिलकर और आज कल से सब लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं हम तो इसके पहले से खिलाफ थे हर पॉलिटिकल पार्टी ने इससे डोनेशन लिया है कल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर इंसान जो वोट देता है उसको ये राइट right होना चाहिए कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे कौन रहा है वो जानने का तो और सुप्रीम कोर्ट ने कल ये जजमेंट दिया और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है होप सो गवर्नमेंट इस पर कोई ऑर्डिनेंस वगैरह नहीं लाएगी और थर्टीन मार्च 2024 एक डेट डिसाइड की है जिस दिन यहां पता चल जाएगा पूरे इंडिया में कि लास्ट के छह साल में इलेक्टोरल बॉन्ड से कौन से बंदे ने किस पार्टी को डोनेशन दिया है उसकी लिस्ट चपने वाली है मार्केट में इलेक्शन से पहले भाई साहब ये कल का जजमेंट है आपने इसको ट्रैक किया या नहीं किया बट थर्टीन मार्च की डेट दी है और इलेक्टोरल बॉन्ड करके ठीक है इलेक्टोरल बॉन्ड पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब ये ये बोला है करके है करके ठीक देखिए आपको यहां दिख रहा होगा यहां पे कि ये जो है, जो है कल का है है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डाउन इलेक्टोरल लाया था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था अपने के नहीं था, और 13 यहां पे दे रखा है थर्टीन मार्च 2024 का डेट दे रखा है और 13 मार्च 2024 का डेट दे रखा है और उन्होंने बोला है कि भैया अब जो है देखिए द फुल इंपैक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड सी हु डोनेटेड विच पार्टी ऑन 13 मार्च 2024 को पता चल जाएगा अगर गवर्नमेंट अभी कुछ भी आड़ा तेड़ा नहीं करती है तो ये पता चल जाएगा इन सबका काला छिट्टा खुल जाएगा कि कौन सी कंपनी ने कौन सी पार्टी को डोनेशन दिया है और मैं बताऊं पॉलिटिकल फंडिंग में होता क्या है ना कि बहुत बार पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देता है आपने आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया कि मैं तो बहुत प्यार करता हूं शिवसेना से तो मैं दस हजार शिवसेना को दे दू दिया नहीं दिया आपको पता है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने डोनेशन लिया होगा इलेक्टोरल बॉन्ड से बताओ बताओ <laughs> भाई साहब डोनेशन रिसीव्ड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलेक्टोरल्टोरल बॉन्ड्स पार्टी वाइज पार्टी वाइज देखते हैं कौन सी पार्टी ने कितना डोनेशन लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से सी इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव पार्टीज वाइज देखो तेरह घंटे पहले का न्यूज है सी इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव बाई पार्टी सिंस टू थाउजेंड एटीन शेयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में यह बताया गया है कि कौन सी पार्टी ने कितना डोनेशन लिया है भाई साहब 2017-18 से लेके और 2022-23 तक टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन जो आया है वो आया है कितना पता है 11,450.13 करोड़ ग्यारह हजार रुपए नहीं है ये 11450 करोड़ रुपए है मतलब अपन जिंदगी में एक सपना होता है ना कि जिंदगी में एक करोड़ मिल जाए ना तो जिंदगी सेट है मैं जब सीए करता था तो मेरा बढ़ा, सबसे बड़ा सपना क्या था कि लाइफ में एक करोड़ मिल जाए ना तो लाइफ सेट है मैंने कहा क्या करूंगा एक करोड़ का एक करोड़ की बैंक में करवाऊंगा एफ डी <laughs> उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आठ परसेंट ठीक है तो साल का होता है आठ लाख भाई साहब महीने का पचास हजार तो मैं गरीब खर्च ही नहीं कर पाऊ करके ठीक है तो आराम से करूंगा ऐश ये मेरा सपना था तो यहाँ तो भैया इलेवन थाउजेंड फोर फिफ्टी करोड़ का डोनेशन मिला है और लास्ट के चार पांच साल में और सबसे ज्यादा डोनेशन है वो परसेंटेज वाइज दे रखा है इसमें से फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट जो है वो तुमको मिला है बीजेपी को एंड ऑब्वियसली यार ऐसा ऑब्वियस रीजन है आपको ये लग रहा होगा नहीं नहीं इससे बीजेपी कोई मतलब खराब हो गई नहीं मैं नहीं बोल सकता ऐसा करके ठीक है बिकॉज मुझे पढ़ाना है अब एक बात समझना यहाँ पे भाई जो रूलिंग पार्टी होती है उसका सब चलता है सिंपल सी बात है अगर आपको कोई भी कंपनी को कोई बेनिफिट चाहिए कोई काम कराना है कोई फेवर चाहिए तो वो सबसे ज्यादा डोनेशन किसको देगा रूलिंग पार्टी को देगा तो रूलिंग पार्टी को इसलिए बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है उसके बाद कांग्रेस को 9.8% मिला है टीएमसी हमारी ममता बनर्जी वाली पार्टी को 9.5 मिला है बीजेडी बीजेडी मतलब बीजू जनता दल उत, कहां पे है ये पार्टी बीजू जनता दल आई थिंक इन रांची वो ही है ना वो हेमंत सोरेन वाली पार्टी का नाम बीजू जनता दल ही है हाँ, डीएमको को भी मिला है टीआरएस को भी मिला है वाई एस को भी मिला है और अदर को भी मिला है करके ठीक है इनको इतना मिला है और उनके बाद वाली छोटी छोटी पार्टियां रहेगी उनको बहुत ही कम मिला है एक कोई सीपीआई करके पार्टी उन्होंने बोला कि हमको किसी ने कुछ दिया ही नहीं करके ठीक है तो उनको बेचारों को किसी ने कुछ दिया ही नहीं बट ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन लोगों को मिला है यह कल का एक वर्डिक था और यह वर्डिक है वो लैंडमार्क जजमेंट है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यह पता करना कि एटलीस्ट हमको पता तो चल सके ना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन डोनेशन कर रहा है

कैसे कैसे चेंज लाती है ये बोलता है लोगों ने कांग्रेस को भी 1122 करोड़ का डोनेशन दिया है ठीक है अच्छा लोगों ने कांग्रेस को भी डोनेशन दिया बीजू जनता दल अरे ओडिसा में सॉरी सॉरी ये बोल रांची में तो बोला हाँ हाँ रांची में ऐसा नहीं वो ओडिसा की पार्टी है वो पटना एक राइट ये जो बीजू जनता दल है वो पटना एक वाली पार्टी है चलो तो मैं जो बात कर रहा था कि देखो कोई भी सेक्शन होती है ना उस सेक्शन के अंडर प्रोवाइजो होते हैं एंड कुछ एक्सप्लेनेशन होती है प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन बोलो क्या बोलोगे एक्सेप्शन अगर कोई सेक्शन डाली उस सेक्शन में अगर कोई एक्सेप्शन डालनी है तो उस एक्सेप्शन के लिए क्या डालेंगे प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है एक्सप्लेनेशन बोलो 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 एक्सप्लेनेशन मेरे ऑनलाइन वाले प्यारे-प्यारे बच्चों ये बोलता है बीएसपी को कुछ नहीं मिला बीएसपी को हम मिले हैं ना चलिए एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है कौन बताएगा ये तो बंदर हमेशा बताता है कोई और बताओ यार एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है एनी वन ये तो बताते ये लोग वही हाथ खड़े करते हैं जो रोज करते हैं ठीक है ठीके? रोज मतलब कल से कर रहे हैं हाँ ठीक चलिए आप में से आप में से कोई उधर उधर से कोई महिला एक्सप्लेनेशन हाँ बोलो तुम महिला हो हाँ चलो बोलो ठीक है कोई बात नहीं भाई है मेरा हां सेक्शन में अगर कोई भी वर्ड यूज हुआ है उसका मीनिंग बताने के लिए लॉ मेकर एक्सप्लेनेशन डालते क्या डालते हैं एक्सप्लेनेशन चलो तो मैं आपको एक सेक्शन बताता हूं उस सेक्शन में एक प्रोवाइजो बताता हूं और उसी प्रोवाइजो के बाद तो सेक्शन तो है अब एक बात समझना ये सेक्शन क्या बोलती है एक बार सेक्शन को रीड करेंगे आपको पूरा एक साथ में नहीं देखेगा मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करूंगा तो आप साथ, साथ में रीड करना 80GGC को रीड करना ठीक है देखिए हेडिंग दे रखा है सबसे पहले डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू द पॉलिटिकल पार्टीज मतलब आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं तो आपको कुछ डिडक्शन मिलेगा ऐसा हेडिंग दे रखा है अब इस सेक्शन को पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है देखिए इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम का मतलब होता है कि आपकी टोटल इनकम निकालते टाइम ऑपर एसएससी बींग एनी पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है डोनेशन देने वाला एक्सेप्ट लोकल ऑथोरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन हु इज होल्ली और पार्टली फंडेड बाय गवर्नमेंट मीन जो गवर्नमेंट कंपनी होती है गवर्नमेंट के लोग होते वो डोनेशन नहीं दे सकते पोलिटिकल पार्टी को उनको छोड़ के देर शेल बी डिडक्शन देयर शेल बी डिडक्टेड डिडक्टेड एनी अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम मतलब जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है इन द प्रीवियस ईयर टू द पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट तो सिंपल सी बात है ये सेक्शन बोलती है कि आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है सी ए फाइनल में समझ में आएगा इंटरमीडिएट में नहीं है उसको अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा तो पहले तो सेक्शन बड़ी क्लियर है कि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया आपको 100 परसेंट डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन इसमें अब एक्सेप्शन डालना है तो एक्सेप्शन डालने के लिए इन्होंने बोला या सब्जेक्ट टू इन्होंने बोला कि प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन कंडीशन डाल रहे हैं नो डिडक्शन शेल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सम्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ द कैश अगर आपने कैश में डोनेशन दिया तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा तो इन्होंने वहां एक कंडीशन डाल दी तो पहले सेक्शन बड़ी क्लियर थी कि आपने अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा लेकिन उसका एक्सेप्शन डालने के लिए कोई कंडीशन डालने के लिए इन्होंने प्रोवाइजो डाला और इस प्रोवाइजो में लिखा कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने डोनेशन किसमें किया तो कैश में किसमें किया तो कैश कैश में किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अब आपको एक्सप्लेनेशन डालनी है एक्सप्लेनेशन का मतलब कि अगर कोई ऐसा वर्ड सेक्शन में यूज हुआ है एंड उसको एक्सप्लेन करना है कि उस वर्ड का मतलब क्या होगा तो उसके लिए ये लोग एक्सप्लेनेशन डालते हैं तो यहां पे देखिए एक्सप्लेनेशन डाला है कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन एटी जी जी बी एंड जी जी सी कि जीजीबी जीजीसी में एक वर्ड यूज हुआ है पॉलिटिकल पार्टी अब पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होगा क्या किट्टी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे तो इन्होंने बोला पॉलिटिकल पार्टी मीन पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए ऑफ द रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ऐसी पार्टी से लेंगे जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में रजिस्टर्ड है ऐसी पार्टी को हम पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे सो दिस इज एक्सप्लेनेशन तो ध्यान रखना कभी भी सबसे पहले सेक्शन होती है उस सेक्शन में कुछ प्रोवाइजो होते हैं और प्रोवाइजो के बाद एक्सप्लेनेशन होती है प्रोवाइजो का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक्सेप्शन डालनी है और कंडीशन डालनी है तो वो प्रोवाइजो के फॉर्म में डाली जाती है और अगर सेक्शन में कोई वर्ड ऐसा यूज हुआ है उस वर्ड को डिफाइन करना है तो वो उसके लिए वो लोग एक्सप्लेनेशन डालते हैं मिस्स एनी वर्ड यूज इन द सेक्शन एंड इफ लॉ मेकर वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट वर्ड तो वो लोग क्या डालते हैं एक्सप्लेनेशन डालते हैं यू गॉट माई पॉइंट और नॉट अरे बोलो समझा के नहीं समझा समझा के नहीं समझा समझा तो कल आपने क्या लिखा था लास्ट पॉइंट में क्या लिखा था वी शुड हैव नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ लॉ एक लाइन छोड़ के लिखो सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ एक लाइन छोड़ के लिखो सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ लिखिए सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ में सबसे पहले पॉइंट नंबर वन इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट लिखते टाइम ए को क्या लिखना है कैपिटल या स्मॉल कैपिटल सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 डैश करके लिखिए इट इज द मेन सोर्स ऑफ टैक्स लॉ इट इज The main source of tax law. It is the main source of tax law. It is the main source of tax law. Full stop. It provide it provide determination of total income. It provide determination of total income. Comma, टैक्स लाइबिलिटी इट प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम कॉमा टैक्स लाइबिलिटी एटसेक्ट्रा 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 को कैसे लिखना होता है इटीसी ईटीसी दो बार नहीं होता एक बार ही लिखना है ठीक है एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा फुल स्टॉक इट इज एप्लीकेबल इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इट इज एप्लीकेबल

सो इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एक बात बताओ जम्मू एंड कश्मीर में इनकम कमाई इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा लगेगा ऐसा कुछ नहीं का भाई जम्मू एंड कश्मीर में इनकम टैक्स नहीं लगेगा लगेगा पूरे इंडिया में इनकम टैक्स इनकम कमाते हो उस पर इनकम टैक्स लगेगा अब एक बात बताओ इंडिया का मतलब क्या होता है हा? इंडिया मीन्स भारत हा देखो इंडिया जो है वो इंडिया में देखो अपना जो लैंड मास है वो तो आएगा ही आएगा जैसे ये इंडिया है ये सिर्फ आइडेंटिकल मतलब सिर्फ ये ऐसा ही मैप बनाया ऐसे दिल पे मत ले लेना ले ठीक है ये इंडिया है और साथ में हमको क्या मिलता है फ्री में श्रीलंका आज तक आपने कोई भी मैप ऐसा देखा जिसमें श्रीलंका साथ नहीं है हो ही नहीं सकता श्रीलंका फ्री में मिलता है जब अपन छोटे थे मैप खरीदने जाते थे तो फ्री में अपने को श्रीलंका मिलता था ठीक है श्रीलंका फ्री में मिलता है अब एक बात समझना ये इंडिया है एक तो इंडिया का जो लैंड मास है वो इंडिया में आएगा मतलब जो भी इंडिया का लैंड मास है वो इंडिया में आएगा हम पुणे में है इंडिया में आएंगे अब एक बात बताओ मुंबई है मुंबई भी इंडिया में आएगा अब एक बात बताओ मुंबई यहां पे मुंबई के बाद में यहां पे पानी चालू हो जाता है यहां पे मुंबई के बाद ये मुंबई के बाद यहां पानी चालू होता है तो मुझे बताओ क्या पानी का एरिया भी इंडिया में आएगा या नहीं आएगा आप अगर यहां पे बैठ के और मान लो इनकम कमा रहे हो तो वो भी आएगा या नहीं आएगा आएगा या नहीं आएगा हाँ कि पानी में बैठ के यहां पे मान लो जहाज चला रहे हो आप और वहां इनकम कमा रहे हो तो वो भी इनकम इंडिया में इंडिया में वो आएगा या नहीं आएगा कितना आएगा मतलब जितना भी पानी भले रशिया तक जा रहा हो वो इंडिया है ठीक है शिवांगी पीयूष लक्षदीप अंडमान निकोबार आइलैंड भी आएंगे वेरी गुड बहुत बढ़िया मोलदीप नहीं लक्षद्वीप ठीक है देखो मोलदीप को अपन अफोर्ड कर नहीं सकते करके ठीक है तो अपने लिए लक्षद्वीप और वो भी ना हो तो हमारे लिए लोनावाला एकदम पास में है खंडाला लोनावाला वाला वही हनीमून होता है यहाँ पे लोगों का ऐसा होता है ना तुम लोगों ने सोचा तुम हनीमून के लिए वहां जाओगे वगैरह ऐसा सोचा सर पहले शादी हो जाए हमारी हमको देख के हमारे तो लखन तो लग नहीं रहे कि हमारी शादी हो तो इंडिया में एक बात बताऊं देखो इंडिया में एक तो क्या आता है कि यहां पे एक होता है जिसको बोला जाता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्या बोला जाता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर जिसको 12 नॉटिकल माइल बोला जाता है 12 ये आपके सिलेबस में का पार्ट नहीं है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि इंडिया को डिफाइन करो ठीक है कि इंडिया में जो आपका यह लैंडमार्क है उसके बाहर ये 12 नॉटिकल माइल का एरिया है इस 12 नॉटिकल माइल के एरिया को बोला जाता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर ये तो इंडिया में आई आए गई आएगा लेकिन उसके बाहर का यहां से लेके और जो 200 नॉटिकल माइल तक होता है ना 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल ये नॉटिकल माइल एक मेजरमेंट का है एरिया जैसे अपन फिट बोलते हैं मीटर बोलते हैं वैसे नॉटिकल माइल होता है ठीक है अब ये 200 नॉटिकल माइल है ना इसी को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन करके ठीक है ई e जेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या शेल्फ बोला जाता है जैसे बहुत बार क्या होता है यहां पे इस एरिया में से आपको पता है वो तेल वगैरह निकालते क्रूड निकालते हैं और वहां पे अगर इनकम कमाई जा रही है तो क्या वो भी इंडिया में आएगा आंसर इज यस तो मैंने बोला इंडिया में एक तो आपका जो लैंडमार्क है वो तो पूरा इंडिया में आएगा ही आएगा उसके बाद में जो टेरिटोरियल वाटर है वो भी इंडिया में आएगा और यहां से लेके जो 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बोला जाता है तो ये एरिया भी इंडिया में आएगा तो यहां पे अगर इसको पूरे को पूरे पे इनकम टैक्स लगेगा मीन तो इनकम टैक्स लगेगा, ही लगेगा।, यहां में भी लगेगा। और उड़ रही है तो क्या वो भी इंडिया में आएगा या नहीं आएगा मतलब सिर्फ लैंड मार्क्स ही आएगा इंडिया में या ऊपर हवा भी आ जाएगी हा या कोई हो सकता है पानी के अंदर जाके और बैठे बैठे इनकम कमा रहा हो तो क्या वो भी इंडिया में आएगा या नहीं आएगा करके ठीक है राइट आंसर इज वो भी आएगा तो इंडिया में जब आप पानी में जाते हो तो पानी के अंदर का जो एरिया रहता है वो भी इंडिया में आएगा और पानी के सतह का एरिया एज वेल एज जो हवा का एरिया रहता है वो भी इंडिया में आएगा इसको लेके आप जब जीएसटी पढ़ोगे तो जीएसटी में इससे रिलेटेड जब आपको पढ़ाया जाएगा सीए फाइनल में तब आपको समझ में आएगा कि कस्टम में कौन कौन से कब कस्टम ले सकते जैसे कोई जहाज जा रही थी मान लो और मान लो जहाज जा रही थी मॉलदीव जा रही थी और मॉलदीव जा रही थी और यहां से अगर वो जहाज गई तो क्या उस पर इंडिया में कस्टम लगेगा या नहीं लगेगा तो वहां पे सीए फाइनल में आपको इन बेटर वे है ये अंडरस्टैंडिंग बैठेगी आपके इनकम टैक्स में इतना ध्यान रखिए इंडिया में जो है वो इंडिया तो आता ही है इसके साथ साथ ये टेरिटोरियल वाटर है ये भी आएगा और 200 नॉटिकल माइल का एरिया है वो भी आपके इंडिया में आएगा तो देखिए आपने क्या लिखा इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 1962 नेक्स्ट लाइन में आप एक छोटा सा डैश करके लिखो प्रोवाइजो प्रोवाइजो पी आर ओ वी वाई एस ओ आई एस ओ सो प्रोवाइजो करके इसको प्रोविजो भी बोलते हैं प्रोवाइजो भी बोलते हैं आपकी जो मर्जी है वो बोल सकते हो कोई दिक्कत प्रोविजो बोलो प्रोवाइजो बोलो एक ही बात है प्रोवाइजो डैश करके लिखो इट मींस इट मींस एक्सेप्शन इट मींस एक्सेप्शन और कंडीशन ऑफ सेक्शन इट मींस एक्सेप्शन एक्सेप्शन और कंडीशन ऑफ सेक्शन नेक्स्ट लाइन में लिखो एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लाइन में डैश करके लिखो नेक्स्ट डैश करके लिखो एक्सप्लेनेशन इट मीन्स इट मीन्स मीनिंग ऑफ स मीनिंग ऑफ एनी टर्म एनी टर्म टी आर एम एनी टर्म यूज इन सेक्शन इट मींस मीनिंग ऑफ एनी टर्म यूज इन सेक्शन इट मींस मीनिंग ऑफ एनी टर्म यूज इन सेक्शन डन एक लाइन छोड़ के दूसरा लिखो इनकम टैक्स रूल्स नाइनटीन सिक्सटी टू इनकम टैक्स रूल्स नाइनटीन सिक्सटी टू इनकम टैक्स रूल्स 1962. अब एक बात समझना इंडिया में इनकम टैक्स को संभालता कौन है भाई इनकम टैक्स का इतना सारा काम दाम रहेगा कि रिटर्न कौन फाइल करेगा रिटर्न को चेक करना ये कौन संभालता होगा तो मैं बताऊं इनकम टैक्स जो है ना उसको संभालने के लिए इंडिया में एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है और फिनेंस मिनिस्ट्री की जो हेड होती है उसका नाम क्या फिनेंस मिनिस्टर और आज की डेट में फिनेंस मिनिस्टर कौन है है निर्मला बड़े बड़े गुस्से में रहती है ना उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा भाई साहब घर पे झगड़ा करके आई है ठीक है बहुत गुस्से में रहती है मैडम निर्मला सीतारमन तो जो फिनेंस मिनिस्ट्री है इसके दो पार्ट होते हैं एक होता है सीबीडीटी और एक होता है सीबीआईसी करके अब एक बात समझना ये जो सीबीडीटी है ना इसको बोला जाता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या बोला मैंने क्या बोला मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नाम से पता चल रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब ये बोर्ड क्या करता होगा डायरेक्ट टैक्स को मैनेज करता होगा और सीबीआईसी है ये तुम्हारे इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी कस्टम उसको मैनेज करता है वो CBIC रहता है अब एक बात समझना ये जो CBDT होता है ना ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है इनको ये पावर दे रखी है कि ये चाहे तो रूल्स वगैरह बना सकते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स की जरूरत होती है और ये रूल्स बनाने का पावर सीबीडी को दे रखा है जैसे इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपको डेप्रीशिएशन अलाउ होगा एट प्रिस्क्राइब रेट तो रेट कौन प्रिस्क्राइब करेगा बाबू रेट ये लोग प्रिस्क्राइब करते हैं थ्रू द रूल्स कि इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन आपको इस रेट से अलाउ होगा या इनकम टैक्स में यह लिखा हुआ है कि आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म तो क्वेश्चन आता है फॉर्म कौन प्रिस्क्राइब करेगा तो ये लोगों को पावर होता है ये सीबीडीटी है ये फॉर्म को प्रिस्क्राइब करती है थ्रू द रूल्स तो रूल्स बना के ये फॉर्म को प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये होते हैं रूल्स देखो एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में बना दिया लॉ मेकर्स ने बना दिया अब उसमें कुछ चीजों का पावर है वो सीबीडीटी को दे रखा है कि तुम रूल्स निकाल सकते हो तो उससे रिलेटेड रूल्स है वो सीबीडीटी है वो सीबीडीटी निकालता है तो चलिए इनकम टैक्स रूल्स 1962 लिखा डैश करके लिखो इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर्ड इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर्ड इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर्ड एम्पावर्ड की स्पेलिंग क्या होती है ई एम पी ओ डब्ल्यू डी इनकम टैक्स एम्पावर्ड सीबीडीटी सीबीडीटी ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लो सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू मेक रूल्स टू मेक रूल्स कॉमा टू मेक रूल्स टू मेक रूल्स डॉट कॉमा फुल स्टॉप फुल स्टॉप रेट ऑफ डेप्रीशिएशन फुलस्टॉप के बाद रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कॉमा all forms f o r m s f o r m s forms all forms comma valuation rules valuation rules etc 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 provided in income tax rules etc etc provided in income tax rules अब एक बात बताओ मुझे ये जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 ये तो कब बना था 1961 में बना था हाँ बाबू अरे बोलो ना हा इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये तो 1961 में बना था लेकिन आपको लगता नहीं कि इसमें हर साल जो है वो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करने पहुंच रहे आपको लगता है कि नहीं लगता इसमें हर साल अमेंडमेंट करने पड़ते हैं और ये अमेंडमेंट कैसे करें फिर क्योंकि जो टैक्स लॉस होते हैं वो टैक्स लॉस पहले बना लिए वो उस टाइम के हिसाब से थे लेकिन हर साल इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं और अमेंडमेंट्स किसके थ्रू किए जाते हैं पता है एवरी ईयर आपको पता रहेगा फिनेस एक्ट आता है क्या आता है फिनेंस एक्ट जिसको आप लोग फाइनेंस एक्ट भी बोल सकते हो फाइनेंस एक्ट आता है या फाइनेंस एक्ट आता है अब आप बोलोगे ये फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस एक्ट है ये कौन सी बला है सर तो देखो आपको पता है हर साल पार्लियामेंट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो एक बजट प्रेजेंट करते हैं क्या प्रेजेंट करते हैं बजट और बजट कौन सी डेट को प्रेजेंट किया जाता है बोलो हाँ? बजट प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट फेब ऑफ एवरी ईयर मीन फर्स्ट फेब को प्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट फेब को जो प्रेजेंट करते हैं बजट वो बजट कौन प्रेजेंट करता है फिनेंस मिनिस्टर और फिनेंस मिनिस्टर अभी हमारी कौन है निर्मला सीतारमण और बजट में ही एक पार्ट होता है उस पार्ट को बोला जाता है फिनेंस बिल, क्या बोला जाता है? फिनेंस बिल. तो जो बजट होता है ना उस बजट में एक पार्ट होता है उसको बोला जाता है फाइनेंस बिल या जिसको आप बोल सकते हो फिनेंस बिल करके फिनेंस बिल होता है अब एक चीज समझना ये जो फिनेंस बिल है ये सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है आपके पार्लियामेंट में और फिनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है फिनेंस बिल बोला जाता है अब उसमें जैसे ही फिनेंस बिल प्रेजेंट कर लिया कि हम ये ये चेंजेस करने वाले हैं इनकम टैक्स में जीएसटी में आपके कस्टम में तो सब एक्ट के जो चेंजेस है वो चेंजेस इस फिनेंस बिल में है वो डाले जाते हैं अब ये बिल है क्या है बिल बोलो क्या है बिल पहले बिल होता है ये लेकिन उसके बाद में क्या होता है कुछ दिनों के बाद इस बिल पे पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है डिस्कशन होता है जितने पार्लियामेंट के मेंबर है लोकसभा राज्यसभा में इस बिल पे डिस्कशन करते हैं कांग्रेस बोलती है कि नहीं नहीं इसमें ये प्रोविजन सही नहीं है बीजेपी बोलती है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ही सही है करके ठीक है तो दोनों के बीच में लड़ाई वड़ाई होती है डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद में यह फिनेंस बिल है यह फिनेंस बिल पार्लियामेंट में पास किया जाता है और पार्लियामेंट में पास होता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में लोअर हाउस एंड अपर हाउस लोअर हाउस किसको बोलते हैं राज्यसभा है या लोकसभा को ओ ओ ओ ओ अरे रे रे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना किसको बोलेंगे लोअर हाउस एंड अपर हाउस चलो कितने लोग बोलते हैं लोअर हाउस का मतलब लोकसभा होता है कितने लोग बोलते हैं लोअर हाउस का मतलब लोकसभा होता है कितने लोग बोलते हैं लोअर हाउस का मतलब राज्यसभा होता है बाकी लोग बोलते हैं कि सर एक काम करो ना आपको जो मानना है मान लो ठीक है हमारे तो सर हाथ में दर्द है करके ठीक है क्यों है वो मैंने मुझे मैं पता हमारे हाथ में दर्द है हम हाथ ही ऊपर नहीं करेंगे भाई साहब आपको हाथ ये बता रहा है दर्द क्यों है ठीक है भाई तो उसको क्यों एक्सप्लेन कर रहा है उसको पता है ठीक है अब एक बात समझना मैं बताऊं एक तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपको हाथ खड़ा करना है ठीक है हाथ खड़ा करना ऐसे नहीं नहीं तो मुझे लगेगा आप नींद में हो चश्मा डाल के ऐसे बैठे हो क्या नींद आ रही है मजे से सुबह 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 तो सुबह वाली नींद जोरदार रहती है पता है तुमको एक तो उसमें सपने भी आते हैं और सपने ऐसे सपने नहीं आते मतलब भूत भूत के एकदम प्यारे प्यारे सपने आते हैं बताया तुमको जैसे जो लाइफ में चल रहा होता है कैसे क्लास गए वो दिखी हवा चलने लगी ठीक है तो वैसे वैसे सपने आते हैं तो सपने भी तो एक बात बताओ लोकसभा मतलब लोकसभा तो पता है ना लोकसभा में, कौ में कौन बैठता है राज्यसभा में कौन बैठता है ये भी बताया मैं बताऊं आप जिसको वोट देके के भेजते हो वो कहां बैठता है लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा और जो इलेक्टेड मेंबर है इलेक्टेड मेंबर उसी को बोलते हैं जिसको इलेक्टेड elected... अरे भाई इलेक्टेड मेंबर लोकसभा में बैठेंगे ना और नॉमिनेटेड मेंबर कहां बैठते हैं राज्यसभा में ठीक है जो सचिन वगैरह है हेमा मालिनी तो उसने इलेक्शन लड़ा है बट सचिन वगैरह है वो कहां बैठते हैं राज्यसभा में अभी तो नहीं है सचिन पहले था तो एक बात समझना तो आपका राज्यसभा एंड लोकसभा लोकसभा मींस लोअर हाउस एंड राज्यसभा मींस अपर हाउस तो जब भी लोअर हाउस की बात होती है मतलब लोकसभा ये लोअर वाले लोग है जो इलेक्शन लड़के जाते हैं ठीक है थीके? और अपर हाउस जो नॉमिनेटेड होते हैं वो तुम्हारे अपर हाउस में तो राज्यसभा अपर हाउस हाउस और और लोकसभा लोअर तो देखो सबसे पहले एक बजट 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 आता है 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 वो वो जो प्रेजेंट होता थ्री को हुआ था फिर अभी ट्वेंटी को भी हुआ फिनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया उसको फिनेंस बिल बोला जाता है फिनेंस बिल को पास कराया जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा से और जब लोकसभा राज्यसभा से ये फिनेंस बिल पास हो जाता है पास होने के बाद इसको किसके पास भेजा जाता है पता है? अपने इंडिया के प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट जिस दिन इस पे साइन कर देते हैं उस दिन से इसको बिल नहीं बोला जाता उस दिन से इसको क्या बोला जाता है फाइनेंस एक्ट बोला जाता है तो पहले बिल बोला जाता है जब तक वो पास नहीं होता पास हो गया और पास होने के बाद जिस दिन हमारे प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर लिए अपने ऑटोग्राफ दे दिए उस दिन से वो तुम्हारा फिनेंस एक्ट बन जाता है कि आपके एग्जाम में कौन सा वाला फिनेंस बिल या फिनेंस एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा तो मैं बताऊं आपको पता है अभी एक बिल बिल आया बजट आया फर्स्ट फेब दो 24 को मिस फर्स्ट फेब 2024 को जो बिल आया है या बजट आया है निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही कम टाइम में बोला था और ऐसा बोला इनकम टैक्स जीएसटी में कोई चेंज नहीं है करके ठीक है अपना अपना जो है वो देखते रहो करके ठीक है कोई चेंज नहीं है ये तुम्हारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है तुम्हारे एग्जाम के लिए जब आप नवंबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए जो बजट फर्स्ट फेब 2023 को प्रेजेंट किया था लास्ट ईयर वो वाला एप्लीकेबल है और उसको बोला जाता है फिनेंस बिल 2023 एंड गाइस वो ही जाके बना फिनेंस एक्ट 2023 तो आपके एग्जाम के लिए अभी जो निर्मला सीतारमन जी ने 2024 में जो बजट लाया दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज अभी नई गवर्नमेंट बनेगी नई गवर्नमेंट बनने के बाद एक और बजट आएगा जिसको फाइनल बजट बोला जाता है ये वाले बजट 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 को क्या बोला जाता है इंट्रीम आपने सुना होगा इंट्रीम इंट्रीम और जब गवर्नमेंट वापस से बन जाएगी मई में इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके बाद जुलाई में वापस से एक बजट आएगा निर्मला सीतारमण जी बोल के गई है कि जुलाई में मैं आऊंगी वहां पे वापस ऐसा कॉन्फिडेंस से बोला है उन्होंने हो सकता है आप अभी जाए करके मोस्टली हाई जाएंगे तो मैं बताया कि निर्मला सीतारमण निर्मला सीतारमण जी खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहेगी नहीं रहेगी बट बीजेपी पावर में आने के चांसेस लग रहे हैं ठीक है थीके? तो निर्मला सीतारमण जी ने बोला है मैं वापस आऊंगी जुलाई में बजट प्रेजेंट करने तो उसको बोला जाएगा फाइनल बजट अब एक बात समझना ये जो है ना हर साल एक ही बजट आता है सिर्फ एक ही साल ऐसा होगा पांच साल में जिस साल में दो बजट आएंगे कौन सा वाला ईयर इलेक्शन का ईयर और वो इलेक्शन के ईयर में क्या होता है कि जो फिनेंस बिल होता है ना टू थाउजेंड जो भी रहेगा वो फिनेस बिल भी दो आते हैं और उसके दो फिनेस एक्ट बनते हैं तो 2019 में भी ऐसा हुआ था कि दो बार बजट आया था दो बिल होते हैं दो फिनेंस एक्ट बनते हैं वैसे ही इस साल भी ऐसा ही होने वाला है अभी एक फिनेंस बिल आया है 2024 वाला और दूसरा आएगा इलेक्शन जीतने के बाद जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो नई गवर्नमेंट वापस से अपना बजट लेके आएगी तो गैस मैं यह समझाना चाहता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट में हर साल चेंजेस कैसे होते हैं तो चेंजेस करने के लिए हर साल एक बजट प्रेजेंट होता है आपके एग्जाम के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने फर्स्ट फेब 2023 को जो बजट प्रेजेंट किया था दैट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड गाइस वो फिनेंस बिल 2023 था जो कि प्रेजेंट हुआ था फर्स्ट फेब 2023 को और उस पर हमारे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे और वो साइन कौन सी डेट को किए थे पता है आपको थर्टी फर्स्ट मार्च दो को थर्टी फर्स्ट मार्च 2023 को हमारे प्रेसिडेंट ने साइन कर लिए थे इस दिन से वो बन गया था फिनेंस एक्ट टू तो आपको समझ में आया ना बिल का मतलब क्या होता है और एक्ट का मतलब क्या होता है तो जब तक वो लॉ जो है वो साइन प्रेसिडेंट के नहीं होते तब तक वो क्या बोला जाता है बिल 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 क्या 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 बोला 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 जाता 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 है 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 बोलो और जिस दिन प्रेसिडेंट अपने ऑटोग्राफ दे देते हैं उस दिन से वो क्या बन जाता है एक्ट क्या बन जाता है एक्ट क्या बन जाता है एक्ट तो लिखो तीसरा पॉइंट फिनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फिनेस को फाइनेंस भी बोल सकते हो नहीं तो बोलोगे हम तो फाइनेंस बोलते थे स एक्ट 2023 थाउजेंड फिनेंस एक्ट 2023 थाउजेंड ट्वेंटी हाँ यह बोला इंट्रीम तो हमने सिर्फ डिविडेंड सुना था आप इंट्रीम बजट भी सुन रहे वेरी गुड बेटा फाउंडेशन से इंटर में आए हो ना पहले भी इंटर भी तो कुछ अलग ही सुना था चलो लिखो फिनेंस एक्ट 2023 लिखिए नेक्स्ट लाइन में एवरी ईयर एवरी ईयर एवरी ईयर finance minister every year finance minister present finance bill in parliament every year finance minister present finance bill in parliament which contain various amendment which contain वेरियस अमेंडमेंट टू बी मेड इन डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट टैक्सेस विच कंटेन वेरियस अमेंडमेंट्स टू बी मेड विच कंटेन वेरियस अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन डायरेक्ट एंड इन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने यही लिखा ना वेरियस अमेंडमेंट टू बी मेड इन direct and indirect taxes direct and indirect taxes full stop next slide finance bill 2023 finance bill 2023 was presented by nirmala sitharaman finance bill 2023 was presented by nirmala sitharaman ऑन फर्स्ट फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑन फर्स्ट फेब टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फुल स्टॉप नेक्स्ट लाइन में लिखिए एस सुन एज बिल वॉज पासड बाय पार्लियामेंट एस सुन एस बिल वॉज पासड बाय पार्लियामेंट एस सुन एस बिल वॉज पास बाय पार्लियामेंट and after receiving approval from president and after receiving approval from president after receiving approval from president it become finance act 2023 it become finance act 2023 इट बिकम फिनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इट बिकम फिनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट लाइन में लिखिए फिनेंस बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फिनेंस बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बिकम फिनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बिकम फिनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री डन ये आपका तीसरा पॉइंट था चौथा लिखिए नोटिफिकेशन चौथा लिखिए नोटिफिकेशन ये आपने सुना क्या एक होता है नोटिफिकेशन और एक होता है सर्कुलर आपने कहीं सुना ऐसा क्या फर्क है नोटिफिकेशन और सर्कुलर में वेरी गुड एक बंदा जो हर में हाथ ऊपर करता है बट बाकी लोगों के हाथ में मेहंदी लगी हुई है हाथ में मेहंदी लगी हुई है अच्छा ये दीदी भी हाथ ऊपर चलो बताओ नोटिफिकेशन एक होता है नोटिफिकेशन एक होता है सर्कुलर दोनों में क्या फर्क है नोटिफिकेशन इज समथिंग ट फॉर ऑल द पीपल एंड सर्क्यूलर आर रिलेवेंट ओनली फॉर फेस टू फेस स्टूडेंट तो अच्छा सर्क्यूलर आर एप्लीकेबल और रिलेवेंट फॉर द पीपल वर्किंग इन डिपार्टमेंट ओके वेरी नाइस एन ईवन एल्स या सर्कुलर में अगर कोई सेक्शन में कुछ डाउट है तो उसको क्लियरिफाई करते हैं दैट इज अंडर सर्क्यूलर हा सबको फॉलो करना जरूरी नहीं है आपको लगता है फॉलो करो तो कर लो नहीं तो कोई बात नहीं हाँ और नोटिफिकेशन सबको एप्लीकेबल होता है रेट वगैरह चेंज करना है तो वेरी गुड हाँ नोटिफिकेशन और कोई और सुनाओ सुन जरा सुनाओ जरा फटाफट और कोई गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हो लास्ट वाले हो भैया हो नींद बोलो क्या होता है नोटिफिकेशन पहली बार सुना आईसीआई का नोटिफिकेशन आया ना ऐसा बोलते हैं ना बार बार कि आईसीआई ने नोटिफिकेशन निकाला है अपने आठ में से सिर्फ छह ही सब्जेक्ट रिलेवेंट होंगे दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एक होता है सर्कुलर तो सर्कुलर और नोटिफिकेशन में फर्क क्या है अगर मैं इनकम टैक्स के प्रस्पेक्टिव से बोलू ना तो जैसे लॉ में कोई अमेंडमेंट कर लिया और उस अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है क्या निकाला जाता है नोटिफिकेशन जैसे कोई लॉ में चेंज हो गया और उस चेंज का इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि नोटिफाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन सब पे बाइंडिंग होता है मिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी बाइंडिंग होगा और आप पे भी बाइंडिंग होगा सब पे नोटिफिकेशन बाइंडिंग होगा लेकिन सर्कुलर क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक्ट है उसमें कोई सेक्शन यूज हुई थी और वो सेक्शन को लेके कोई मार्केट में डाउट आ रहे हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको कोई क्लेरिफाई किया जाए क्लेरिफिकेशन दिया जाए उसके लिए सर्कुलर इशू होते हैं पहले एग्जाम्पल नोटिफिकेशन का लेते हैं जैसे सीए इंटरमीडिएट के छह पेपर हो गए पहले आठ थे और उसकी जगह हुए तो मुझे एक बात बताओ करने के लिए पहले एक्ट में चेंज करना पड़ा और एक्ट में चेंज किया गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर दिया अब उसका इफेक्ट देने के लिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम मई 2024 से ये नोटिफिकेशन निकालते हैं कि अब से आपके छह पेपर ही होंगे दिस इज कॉल्ड नोटिफिकेशन मिस वो अमेंडमेंट का इफेक्ट दिया गया क्या आप ऐसा बोल सकते हो ना ना मैं तो आठ पेपर ही दूंगा आप पे भी बाइंडिंग है इंस्टीट्यूट पे भी बाइंडिंग है आप ऐसा नहीं बोल सकते है? नहीं नहीं मेरे को तो वो पुराना वाला अच्छा लगता था उसमें दो अकाउंट थे करके ठीक है तो मैं तो अब वही एग्जाम दूंगा क्या आप दे सकते हैं नहीं इट इज बाइंडिंग टू ऑल एग्जाम्पल लेते एक और जैसे आज जीएसटी की रेट है वो क्या होती है एटीन परसेंट है जीएसटी की रेट मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि अपन एक काम करते हैं रेट को चेंज करते हैं एटीन परसेंट की जगह इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कर दिया ट्वेंटी परसेंट मान लो कि अब देखो पांच साल तक तो हमको कोई हटा नहीं सकता ट्वेंटी परसेंट रेट सब पे क्या हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं नहीं मेरे को तो पुरानी वाली रेट ज्यादा पसंद थी मैं तो एटी एटीन परसेंट से ही जीएसटी भरूंगा क्या आप ऐसा बोल सकते हैं नहीं क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए नोटिफिकेशन लेके आती है नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग टू ऑल डिपार्टमेंट के लिए भी बाइंडिंग है आपके लिए भी बाइंडिंग है दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होता है जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अभी आपको पता रहेगा आपने ड्रीम इलेवन नाम सुना ड्रीम इलेवन क्या होता है ओ ड्रीम इलेवन क्या होता है ड्रीम इलेवन नाम सुना वो एप्लीकेशन होती है ना आपने देखा होगा ड्रीम इलेवन क्या जिसपे ऑनलाइन गेम खेलते हैं एक वो प्रोबो एप्लीकेशन और है तो दिस इज कॉल एप्लीकेशन जिसपे ऑनलाइन विनिंग करते हो आप अब यह ऑनलाइन विनिंग पे आपको पता रहेगा लास्ट ईयर से टैक्स लगाया गया टैक्स पहले भी लगता था उन्होंने टैक्स लगाया थर्टी की रेट से एक नई सेक्शन लाई अब उसमें लेके लोगों को बहुत सारे डाउट आ गए कैसे क्या होगा तो उसके लिए फिर उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और सर्कुलर लिखे निकाल के बताया कि चलिए आपके डाउट हम रिजोल्व करते हैं तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्कुलर निकालता है ना वो आप पे बाइंडिंग नहीं है आपको फॉलो करना है तो करो नहीं करना है आपकी मर्जी है बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग है देखो देखो नोटिफिकेशन क्या होता है कोई अमेंडमेंट हुआ उसका इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है वो सब पे बाइंडिंग है आपको मानना ही पड़ेगा आप ऐसा नहीं कि नहीं मान सकते मानना ही पड़ेगा सर्क्यूलर क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट पे डाउट है कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सर्कुलर निकालता है और सर्कुलर आप लोगों पे बाइंडिंग नहीं है आपके लिए अगर वो फेवरेबल है तो आप उसको फॉलो करो आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो आप उसको फॉलो नहीं भी करोगे तो चलेगा तो लिखिए सबसे पहले आपने हेडिंग दिया नोटिफिकेशन डैश करके डैश करके लिखिए इट इज इशुड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट It is issued by central government. It is issued by central government slash CBDT slash CBDT to give effect of amendment, to give effect of amendment, to give effect of amendment or to give. Effect of provision of the act or to give effect of provision of the act or to give effect of provision of the act. Full stop. It is binding to assessee as well as department. It is binding to assessee as well as department. इट इज बाइंडिंग टू एस एस सी एज वेल एस डिपार्टमेंट एक लाइन छोड़ के लिखिए नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर फाइव सर्क्यूलर सर्क्यूलर्स 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 और उसमें डैश डैश करके लिखिए सर्क्यूलर आर इश्यूड बाय सीबीडीटी सर्क्यूलर्स आर इश्यूड बाय सीबीडीटी issued by CBDT to clarify the meaning to clarify the meaning of certain provision to clarify the meaning of certain provision to clarify the meaning of certain provision certain provisions full stop it is binding to income tax department it is binding to income tax department it is binding to income tax department but not binding to assessee but not binding to assessee it is binding to income tax department but not binding to assessee done अब एक बात समझना ये इतनी सारी चीजें जब आप पढ़ोगे ना तब जाके आपको इनकम टैक्स लॉ का नॉलेज होगा बट इसके साथ साथ कुछ केस लॉज भी होते हैं जो सीए इंटरमीडिएट के इस पेपर में नहीं है केस लॉज है वो सीए फाइनल के पेपर में होते हैं सीए फाइनल में इनकम टैक्स में केस लॉज आते हैं इंटरमीडिएट में कोई भी केस लॉ नहीं आता मुझे एक बात बताओ जो केस लॉ होता है ना वो केस लॉ का नाम कैसे लिखा होता है जैसे आपने देखा होगा बहुत बार यहां लिखा हुआ है एस आर के वर्सेस सपोज सी आई टी फिर यहां पे 235 थर्टी फाइव सी टी आर एटी नाइन फिर लिखा होगा टू थाउजेंड थर्टीन और यहां लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट मुझे एक बात बताओ, कोई भी केस लो होता है उसमें पहले नाम किसका आता है कोई केस लो का नाम लिखा है तो उसमें पहले नाम किसका आता है जैसे तुम्हारे इंटरमीडिएट में तो केस लोग आते नहीं है फाइनल में आते हैं तो पहले नाम किसका आता है जो केस डालता है उसका या जो रेस्पोंडेंट होता है उसका भाई इसमें केस एस के ने सीआईटी के ऊपर किया है या सीआईटी ने एसआरके के ऊपर किया है तो कुल मिला के ये तो बड़ा क्लियर है कि पहले नाम उस पर्सन का आता है जिसने फाइल किया है अपील तो इसको अपन अपीलेंट बोल सकते हैं कि जो पर्सन अपील करता है जिसने ये केस केस डाला है है फाइल किया है, उसका नाम पहले आता है उसके बाद उस पार्टी का नाम आता है जो रेस्पोंडेंट रहता है फिर सर यह क्या लिखा होता है बहुत बार ये ऐसा लिखा होगा करके ठीक है ये क्या लिखा होता है आप किसी भी केस लॉ देखोगे जैसे इंटरमीडिएट में तो केस लॉ है नहीं बट मैं अगर आपको सी ए फाइनल पे लेके जाऊं तो सीए फाइनल में ऐसे बहुत सारे केस लॉज आते हैं और जो सीए फाइनल में केस लॉज आते हैं तो सर क्वेश्चन आता है कि जो केस में सर नाम जो होता है उसमें पहला नाम और दूसरा नाम तो हमको समझ में आ गया लेकिन उसके बाद में सर बहुत सारी चीजें लिखी होती है जैसे मान लो ये तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक टॉपिक सीए फाइनल से मैंने उठाया और सीए फाइनल में आप देखोगे तो यहां पे देखिए आपको देखेंगे कुछ केस लॉस करके कहा गए कहा गए कहा गए ओ ओ लास्ट में रहेंगे देखिए यहां पे जैसे ये केस लॉ है देखिए इस पहले वाले केस लॉ में लिखा हुआ है सीआईटी वर्सेज वीर विक्रम वेद 2014 267 आईटीआर 365 बॉम्बे एंड दूसरे में लिखा है प्रदीप कुमार मल्होत्रा वर्सेस सीआईटी 2011 338 आईटीआर 538 कोलकाता हाई कोर्ट एट हाई कोर्ट हाईकोर्ट हाईकोर्ट अभी कोलकाता हो गया है बट हाईकोर्ट का नाम अभी भी कोलकाता हाईकोर्ट नहीं हुआ है कलकत्ता हाईकोर्ट है मुंबई हो गया है बॉम्बे का नाम लेकिन हाईकोर्ट का नाम आज भी क्या है बॉम्बे हाईकोर्ट क्या है हाईकोर्ट के नाम अभी भी चेंज नहीं हुए करके ठीक है चेन्नई का नाम मद्रास का चेन्नई हो गया बट हाईकोर्ट का नाम आज भी मद्रास हाईकोर्ट है यहां पे कहीं अगर देखेगा तो मैं आपको बता दूंगा मद्रास हाईकोर्ट है अभी भी उसको मद्रास हाईकोर्ट ही बोलते हैं मुझे बताइए ये क्या होता है ये 267 सिक्सटी सेवन आई टी आर थ्री नोटिस किया ये चीज क्या है ये क्या चीज है बोलो और कोई ओ गुड मॉर्निंग ओ दीदी मोबाइल गिर गया बोतल पानी की बोतल पियो पानी पियो बेटा बहुत जरूरी है क्योंकि अभी थोड़ा थियरी है तो बहुत जरूरी है पानी पानी पीते रहना हाँ नहीं तो कहीं आत्मा निकल ना जाए ठीक है चलो मुझे बताओ ओ भाई साहब इधर वाले बच्चों ये क्या होता है आई टी आर सी टी आर नंबर ऐसे क्या लिखा हुआ है ये आई टी आर टी आर क्या लिखा हुआ है ये क्या होता है

हाँ और कोई इधर से ऐसे अनुमानों के आईने में तो कुछ भी बोल सकते हो ना बोलो मतलब इन सेक्शन पे केस होगा ये ऐसा बट सेक्शन तो 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 298 तक ही था ना तो 367 365 तो सेक्शन हो नहीं सकता ना क्या हो सकता है ये हाँ वेरी हा, गुड देखो क्या होता है ना ये हर महीने जितने भी केस होते हैं उसको एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है और वो रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको फाइंड कैसे करना उसका नंबर क्या है दैट इज होता है आईटीआर नंबर या सीटीआर नंबर तो इसकी एक मैगजीन आती है आप ऐसा बोल सकते हैं एक बुक बनती है उस बुक में वो कहां रिकॉर्डेड है तो जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको अगर ये केस के बारे में पूरा ढूंढना है क्योंकि यहां तो चार लाइनें दे रखी है बट इसके बारे में पूरा ढूंढना है तो उसका एक वेबसाइट भी है उस वेबसाइट पे जाके आप ये नंबर डालो कि सिक्सटी सेवन आई टी डालोगे तो सीधा आप वहां पहुंच जाओगे उस केस लो पे। तो ये इट इज लाइक इंडेक्स करके कि भाई ये इंडेक्स है जिसमें दे रखा है कि ये केस यहां पे रिकॉर्डेड है तो जब आपको पूरा उस केस के बारे में पढ़ना है तो आप उस वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएगा उसके बाद में दे रखा है बॉम्बे तो बीओएम का मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट यहां दे रखा है कलकत्ता हाई कोर्ट यहां दे रखा है दिल्ली हाई कोर्ट यहां दे रखा है केरला हाई कोर्ट अब एक बात समझना कुछ कुछ केस लोग ऐसे होते हैं जिसमें दे रखा होता है एससी एससी का मतलब क्या होता है वर्से श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड 2018, ITR नंबर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कितनी सुप्रीम कोर्ट है चलो कितने लोग बोलते हैं इंडिया में पांच सुप्रीम कोर्ट है रेज योर हैंड कितने लोग बोलते हैं इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है रेज योर हैंड वेरी गुड तो इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है ठीक है और हाईकोर्ट हर स्टेट वाइज है हाईकोर्ट है वो हर स्टेट स्टेट वाइज है बट कुछ कुछ स्टेट की अभी भी दो स्टेट की एक ही हाईकोर्ट है एग्जाम्पल के लिए हा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट वन एग्जाम्पल इज अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट करके ठीक है एक तुम्हारा तेलंगाना एंड आंध्र आंध्र प्रदेश का शायद वहां पे भी अभी एक ही कोर्ट है तो कुछ कुछ स्टेट की एक ही हाईकोर्ट रहती है अब एक बात बताओ मुझे अगर कोई भी जजमेंट हाई कोर्ट का आ गया जैसे ये गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है तो आपको क्या लगता है कि ये जजमेंट पूरे इंडिया पे लगेगा या सिर्फ गुजरात पे लगेगा अगर कोई जजमेंट आ गया ये गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है ये पार्ले प्लास्टिक वाला बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है तो सर अगर कोई कोर्ट का जजमेंट आया तो वो जजमेंट पूरे इंडिया पे लगेगा या सिर्फ वो उस पर्टिकुलर स्टेट पे ही लगेगा आपको क्या लगता है पूरे इंडिया पे या सिर्फ उस स्टेट पे राइट आंसर इज उस स्टेट पे ही लगेगा लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो वो पूरे इंडिया पे लगेगा या सिर्फ दिल्ली पे ही लगेगा क्योंकि दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट हाँ वो पूरे इंडिया पे लगेगा एक बात बताऊं अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो वो लॉ माना जाता है दैट इज लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं एक्स -E करके एपेक्स कोर्ट तो बहुत बार लिखते टाइम हम लिखते हैं एपेक्स कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट एक बात बताओ आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ मतलब हाईएस्ट लेवल का जजमेंट हो गया दैट इज द एपेक्स कोर्ट के भाई इससे ऊपर कोई नहीं है बट आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी ओवरराइड किया जा सकता है या नहीं जा सकता आपको क्या लगता है हा मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी कैंसिल किया जा सकता है ओवरराइड का मतलब कैंसिल कैसे बोला यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डब्बे में डालो क्या ऐसा हो सकता है यानी या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज हाईएस्ट चलो एक एग्जांपल और लेते हैं पहले मुझे बताओ एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया और उसी मैटर पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया सेम मैटर पे तो आपको कौन सा मानना है सुप्रीम कोर्ट का या हाईकोर्ट का भाई सीधी सी बात है हाईकोर्ट इतू सा है सुप्रीम कोर्ट ये है करके ठीक है ठीक है तो अब एक बात बताओ जैसे आप जो हो आप खुद हाईकोर्ट हो आपके पापा सुप्रीम कोर्ट है क्या है पापा सुप्रीम कोर्ट तो एक आपका जजमेंट था एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो किसको मानना है सुप्रीम कोर्ट बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई है कि नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ओवरराइड किया जा सकता है या नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैंसिल किया, कि? किया जा सकता है नहीं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता करके ठीक है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड किया जा सकता है या नहीं और नो और नो कौन कर सकता है हा? कौन कर सकता है बोला मम्मी प्रेसिडेंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड किया जा सकता है अगर लॉ में ही चेंज कर दिया जाए लॉ जो होता है और पार्लियामेंट अगर लॉ में चेंज कर दे तो सुप्रीम कोर्ट वाले बेचारे चुपचाप बैठ जाएंगे कुछ नहीं करेंगे करके ठीक है आपने ऐसे कुछ फेमस जजमेंट सुने होंगे एक दो जजमेंट के आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं आपने अगर अपन बात करें इनकम टैक्स मैटर पे तो आपने वोडाफोन केस लो के बारे में सुना कभी वोडाफोन का एक केस लो हुआ था सुना था कि नहीं सुना। वोडाफोन केसलों के बारे में कभी नहीं सुना आपने? आप लोग बहुत छोटे थे ना 2007-8 में कितने साल के थे? दो-तीन साल के सर हम उस साल उस टाइम पे जो है ना वोडाफोन का केसलो आप जब बात कर रहे हो 7-8 के करीब आया था उसमें आप दो-तीन साल के थे तब हम मिट्टी खाते थे सर गली में हम वहां पे गली में मिट्टी खाते थे हमारे गांव में तो मिट्टी खाते बच्चे दो तीन साल चार साल में करके उनको फिर मिट्टी की कभी कमी नहीं होती लाइफ में तो दो तीन साल के थे तो सर हम गली में मिट्टी खाते थे वो बॉल निकालते थे नाली से उससे खेलते थे क्रिकेट नहीं खेले तुम हम तो मैं तो छोटा था भाई साहब मैंने तो ऐसे ही मेरा बचपन निकला है वो वो कांच से उससे अपन खेलते थे क्या बोलते उसको कंचे बहुत ज्यादा मैं अलग अलग कलरफुल वाले कंचे रखता था एकदम बोतल भर के पूरी और वो रखता था और फिर हम क्रिकेट खेलते थे गली में तो गली में क्रिकेट खेलते थे तो बॉल नाली में चली जाती थी तो नाली से निकालते भी अपन ही थे भाई वहां थोड़ी नाली से निकाला नाली से निकाल के दो तीन बार ऐसे मिट्टी में मिलाया बॉल एकदम रिफ्रेश ठीक है <laughs> और वापस से खेलना चालू तो उस टाइम पे एक वोड़ाफोन का केस हुआ था जस्ट मैं आपको एक इंसाइट दे रहा हूं ये बता रहा की कोशिश कर रहा हूं कि गवर्नमेंट कैसे प्ले कर सकती है चीजों को आपको डिटेल में चाहिए तो आप गूगल पे सर वो क्या यूट्यूब पे डालना वोडाफोन बीबी सर करके ठीक है तो मैंने वहां पे पूरा 20 मिनट का एक जजमेंट डाला हुआ है कि कैसे कैसे क्या हुआ था वोडाफोन के केस में जिस जिसपे लाख डेढ़ लाख व्यूज भी रहेंगे अगर आप यूट्यूब पे जाओगे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा करके ठीक है बट तो भी मैं आपको इनसाइट देना चाहता हूं मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि देखो गवर्नमेंट कैसे प्ले करती है चीजों के साथ में होता क्या है इंडिया में ये वोडाफोन जो कंपनी आई इससे पहले एक हज करके हुआ करता था हज हच 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 एक हज करके हज टेलीकम्युनिकेशन हुआ करता था हज और हज का एड आता था उसमें कुत्ता आता था और वो कुत्ता भागता था अभी वोडाफोन में कुत्ता आता है वो अल्टीमेटली हज से ही लिया गया था ठीक है तो हज करके इंडिया में एक कंपनी थी और हज जो टेलीकम्युनिकेशन थी वो एक इंडिया में एक कंपनी थी और वो कंपनी मोबाइल सर्विस देती थी इंडिया में अब आप समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये टैक्स में हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग बोलते हैं हच टेलीकम्युनिकेशन एक इंडिया का कंपनी था और ये जो इंडिया का कंपनी था जो इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस दिया करती एयरटेल से भी पहले बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था हच तो हच और उस टाइम बीएसएनएल हुआ करता था दो लोग थे बीएसएनएल और हच बहुत बड़े प्लेयर थे फिर एयरटेल आया अब ये जो हच था ना ये इंडिया का ब्रांड नहीं था हच जो कंपनी था वो एक हांगकांग सब्सिडरी कंपनी था Huchison करके एक हांगकांग बेस्ड कंपनी थी और हचेसन हांगकांग एक फॉरेन की कंपनी थी और वो फॉरेन की कंपनी का इंडिया में सब्सिडरी कंपनी था इंडिया में सब्सिडरी कंपनी था उस फॉरेन की कंपनी का जिसका नाम है हचसन हांगकांग और इंडिया का कंपनी था हच टेलीकम्युनिकेशन अब इन्होंने सोचा कि हमको ये इंडिया का बिजनेस बेचना है इंडिया का बिजनेस क्या करना है बेचना है तो हचे ने हांगकांग वालों ने बोला कि हमको इंडिया का बिजनेस बेचना है उसके लिए बोली लगाओ फटाफट तो बहुत सारे लोगों ने बोली लगाई और उसमें एक कंपनी सामने आई और उन्होंने बोला कि हमको हज खरीदना है और वो कंपनी जो थी वो नीदरलैंड की कंपनी थी जिसका नाम है वोडाफोन वोडाफोन होल्डिंग इंटरनेशनल लिमिटेड ये नेदरलैंड नेदर की कंपनी थी वोडाफोन वोडाफोन इज बेसिकली नीदरलैंड बेस्ड कंपनी और नीदरलैंड की एक कंपनी है ये तुम्हारे फॉरेन की कंपनी हो गई ये भी बेस्ड कंपनी है वोडाफोन इन्होंने जताया कि हमको इंडिया का बिजनेस बेचना है अब एक बात समझना इस इंडिया के बिजनेस को कैसे बेचा जाए क्योंकि ये इंडिया में कंपनी है ये कंपनी बिकनी है कौन सी कंपनी बेचने वाली है वो हांगकांग में है और जो खरीदने वाली कंपनी है वो नीदरलैंड में है अब एक बात समझना होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है आपको पता है? क्या होता है होल्डिंग कंपनी मतलब भाई इस कंपनी के शेयर है वो किसके पास है नीदरलैंड वाली कंपनी के पास तो अल्टीमेटली क्या होगा अगर मान लो ये इंडिया का बिजनेस बेचना है तो ये कंपनी क्या करेगी इस कंपनी के शेयर इस कंपनी को बेच देगी भाई यही तो होगा कि इस कंपनी के शेयर है इसके पास है मतलब ये कंपनी के शेयर इसके पास है वो क्या करेगी इसको बेच देगी तो अब होल्डिंग कंपनी कौन सी हो जाएगी वोडाफोन हो जाएगी और वोडाफोन होने से इंडिया का बिजनेस बिक गया वोडाफोन के पास चला गया बट इस पे इंडिया में क्या टैक्स लगता है क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर बेचते हो ना आप तो इंडिया में टैक्स लगता है इंडियन कंपनी के जब आप शेयर बेचते हो तो इंडिया में टैक्स लग जाता है तो इन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसे क्या किया जाए कि इंडिया में टैक्स ना लगे तो इंडिया के बड़े बड़े एडवोकेट्स जिसमें हरीश सालवे वगैरह जो है उनका नाम आपने सुना होगा हरीश सालवे बड़ी बड़ी जो बिग फोर वगैरह बोलते कंसल्टिंग फर्म बोलते हैं उन लोगों ने एक प्लानिंग बताई कि आप एक काम करो अगर इंडिया का बिजनेस बेचना है ना तो हम आपको एक तरीका बताते हैं कि जहां इंडिया का बिजनेस भी बिक जाएगा और इंडिया में टैक्स भी नहीं लगेगा बोला क्या तरीका है बताओ तो भाई साहब इन्होंने तरीका बताया तरीका यह बताया कि आप एक काम करो आज की डेट में यह जो हचेसन इंडिया है इसकी होल्डिंग कंपनी हांगकांग में है आप एक काम करो एक डमी होल्डिंग कंपनी बनाओ और डमी होल्डिंग कंपनी का नाम दिया गया सीजीपी और यह सीजीपी जो है यह मॉरिशस में सेटअप की गई मॉरिशस करके कंट्री है टैक्स सेवन कंट्री है मॉरिशस में टैक्स लगता ही नहीं है मॉरिशस में लोग हनीमून मनाने जाते सुना होगा ना आपने जो पैसे वाले लोग होते हैं अपन दोलोना वाला जाएंगे बट अगर जो मॉरिसस में जो पैसे वाले लोग होते हैं वो मॉरिसियस में हनीमून मनाने जाते हैं तो सीजीपी करके एक कंपनी है कंपनी फॉरेन में सेटअप की गई और फॉरेन में इसका मतलब ये कंपनी है यह आपके मॉरिसस में सेटअप हुई अब एक बात समझना सीजीपी जी में हो गई और इंडिया की कंपनी की अब होल्डिंग कंपनी हो गई सीजीपी और सीजीपी की होल्डिंग कंपनी हो गई हचे हांगकॉन्ग देखो पहले क्या था सीधा रिश्ता था करके इनके बीच में बोला इस रिश्ते को ब्रेक करो इन्होंने क्या किया इंडिया की जो कंपनी है हज टेलीकम्युनिकेशन इसकी होल्डिंग कंपनी मॉरिसस में बना दी जिसका नाम दिया सीजीपी क्या इंडिया की कंपनी के शेयर अब मॉरिसियस की कंपनी के पास है और मॉरिसियस की कंपनी के शेयर है वो हांगकॉन्ग की कंपनी के पास है अब इन्होंने क्या किया पता है आपको इन्होंने चुपचाप से जो हांगकांग की हचेसन थी इन्होंने इस मॉरिसस की कंपनी के शेयर इसको बेच दिए इंडिया की कंपनी के शेयर अभी भी इंटैक्ट है कुछ नहीं हुआ इंडिया की कंपनी है वो हचेसन है टेलीकम्युनिकेशन इंडिया इसकी कंपनी के जो शेयर थे वो पहले भी सीजीपी के पास थे अभी भी सीजीपी के पास है तो इंडिया की कंपनी का कुछ भी चेंज नहीं हुआ इंडिया की कंपनी के शेयर पहले भी इसके पास थे अभी भी इसके पास ही है लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने मॉरिसियस की जो कंपनी थी इसके शेयर इसको बेच दिए एक मिस एक हांगकॉग की कंपनी आप ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करो गुड मॉर्निंग आप ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करो हांगकॉन्ग की एक कंपनी मॉरिसस की कंपनी के शेयर बेच रही है नीदरलैंड की कंपनी को इंडिया के कंपनी के शेयर तो चेंज ही नहीं हुए कुछ नहीं ऐसे का ऐसे रहा भाई साहब जब ये ट्रांजेक्शन हुआ इंडिया में बोला कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया की कंपनी के शेयर जो है वो पहले भी सीजीपी के पास थे और आज भी सीजीपी के पास है सीजीपी के शेयर बिक गए या तो ये गवर्नमेंट बिक गई वो सीजीपी की बिक गई करके तो बोला इस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा अब भाई साहब जब ये ट्रांजेक्शन हुआ तो कम से कम सात आठ हजार करोड़ रुपए का जो टैक्स था वो इंडिया को नहीं मिला अब हुआ क्या यहां पे दिमाग लगाया एक बॉम्बे का एक असेसिंग ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर किसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर किसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर मैं बता रहा हूं इनकम टैक्स ऑफिसर किसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना जैसे पुणे में भी एक इनकम टैक्स का ऑफिस है बॉम्बे में भी ऑफिस है तो बॉम्बे का एक असेसिंग ऑफिसर था उसने क्या किया पता है सबसे पहले उसने नोटिस भेजा और नोटिस भेजा इधर देखो गुड मॉर्निंग ओ भाई साहब सो रहे हो खड़े हो जाओ वहीं पे अगर सो रहे हो नींद आ रही है तो नींद आ रही है ना एकदम ऐसे ऐसे करने का और खड़े हो जाने का क्या करने का ऐसे ऐसे करने का और खड़े अपने आपको चमाट मार देगा क्या करने का नहीं।, भाई सोना नहीं है ठीक है हाँ, जब भी ऐसे नींद आए ना तो अपने आपको बोलने का, भाई, वेल, मैं आया पढ़ाई करने के लिए थीके? मुझे पढ़ाई करनी है ठीक है वैसा वाला वो एक बीच में आया था ना एक थारा भाई जोगेंद्र तुमको पता है खुद को ही ऐसे जोर जोर से मारता था जोगेंद्र करके भाई उसका फेफड़ा फट जाएगा करके ठीक है तो अब एक बात समझना हुआ क्या ये जो ऐसा धंधा किया इन्होंने तो बॉम्बे का एक असेसिंग ऑफिसर था बॉम्बे के असेसिंग ऑफिसर को पता चला कि ये तो गड़बड़ है ये तो इंडिया के साथ गलत हो रहा है तो इंडिया के साथ गलत हो रहा है ऐसा बॉम्बे के एओ को लगा तो बॉम्बे के एओ ने इस वोडाफोन को नोटिस भेज दिया और वोडाफोन को बोला कि आपने एक खरीदा है इंडिया का बिजनेस बिका है हज हांगकॉग से खरीदा है आपने उस पर टीडीएस नहीं काटा क्योंकि आपने इस कंपनी के शेयर खरीदे तो इस पे के वो एओ को लगा एओ बोलता है कि इस पे इंडिया में टैक्स लगना चाहिए था आपने इस कंपनी के शेयर जब खरीदे है बोला इस पे इंडिया में टैक्स लगेगा और आपने इस आगे वाले का टैक्स नहीं काटा टीडीएस काटना रहता है टीडीएस क्या रहता है जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट काट के गवर्नमेंट को जमा कराना रहता है दैट इज टीडीएस तो वहां से ये मैटर उठा और इसने बोला वोडाफोन ने कि हमने इसका टैक्स इसलिए नहीं काटा क्योंकि उनके लिए वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप इंडिया की कंपनी बेचोगे तो तो टैक्स लगेगा हमने इंडिया की कंपनी के शेयर नहीं बेचे हमने तो किसी फॉरेन कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो यहां नीदरलैंड वाली कंपनी बोलती है कि हमने एक मॉरिसस कंपनी के शेयर खरीदे हैं और हांगकॉन्ग की कंपनी से खरीदे हैं तो भैया इस पर टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था उनको इसलिए हमने टीडीएस नहीं काटा लेकिन यह मामला जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में गया और आपको पता है बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि तुम लोग सब मिलके ये चिटिंग कर रहे हो तुम ये चिटिंग कर रहे हो तुम इंडिया की कंपनी का बिजनेस बेच रहे हो एक डमी कंपनी बना के बेच रहे हो पहले इसका नाम हज की जगह तुमने वोडाफोन कर दिया और तुम बोलते हो हमने बिजनेस नहीं बेचा ऐसे कैसे हुआ तुमने बिजनेस बेचा है इंडिया का बिजनेस बेचा है इस पर इंडिया में टैक्स लगना चाहिए ऐसा जजमेंट दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने और जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया वोडाफोन के कान खड़े हो गए क्योंकि वोड़ाफोन को पेनल्टी लगती है इसमें क्या होता है ना जब आप किसी को पेमेंट करते हो और उसका टीडीएस काटना था आपने नहीं काटा तो आपको इतनी पेनल्टी लगती है और रू काप जाती है करके ठीक है हंड्रेड परसेंट पेनल्टी लगती है जितना टीडीएस नहीं काटा उसका तो इनको आठ हजार करोड़ का टीडीएस काटना था उन्होंने नहीं काटा तो आठ हजार करोड़ का के पेनल्टी लाओ बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैसे ही जजमेंट दिया उसके बाद में वोडाफोन ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम पे हरीश सालवे वगैरह वोडाफोन की साइड से लड़ रहे थे कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी प्रणव मुखर्जी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे 2012 के आसपास प्रणव मुखर्जी वाज़ द फाइनेंस मिनिस्टर और मैं बताऊं वोडाफोन ने जजमेंट दिया किसके फेवर में पता है सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वोडाफोन के फेवर में और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसा कुछ भी नहीं लॉ में कहा लिखा हुआ है कि फॉरेन की कंपनी के शेयर बेचने से इंडिया की कंपनी का बिजनेस बिकेगा इंडिया में टैक्स लगेगा ऐसा लॉ में लिखा हुआ है नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में जजमेंट दे दिया वोडाफोन जीत गई तो जैसे ही वोडाफोन जीत गई वोडाफोन ने मिठाई बाटी बोला कोई भी नहीं इसको यहां कोई टैक्स नहीं लगेगा हमको कोई टीडीएस नहीं काटना चाहिए गई। थोड़े दिन के बाद हमारे लॉ में प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट कर दिया और लॉ को चेंज कर दिया और लॉ को बोला चेंज करते हैं ऐसा कैसे करके और लॉ को चेंज करके और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हटा दिया गया लेकिन उसको उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली हटाया ये आपको पता है रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है हा हा वॉट इज द मीनिंग ऑफ रेट एक होता है रेट्रोस्पेक्टिवली और एक होता है प्रोस्पेक्टिवली फर्क क्या है इंग्लिश इंग्लिश रेट्रोस्पेक्टिवली एंड प्रोस्पेक्टिवली एक होता है रेट्रोस्पेक्टिवली एंडिवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू उधर जो बैठे हैं वो लास्ट वाले जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी वाले रेट्रोस्पेक्टिवली एंड प्रोस्पेक्टिवली में दोनों में फर्क क्या है थोड़ा अनुमानों क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज और एक होता है प्रोस्पेक्टिवली चेंज हाँ रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब अभी अगर जो चेंज हो रहा है वो पहले पे भी एप्लीकेबल होगा एंड प्रोस्पेक्टिवली मतलब अब से राइट right? तो रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि भैया जो पहले ट्रांजेक्शन हो गए हैं उस पर भी वो लगेगा और प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है भाई चलो पहले जो हो गया वो हो गया हमारे रिलेशनशिप में जो भी था वो हो गया आज से हम नई शुरुआत करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिवली कि तुमने मुझे जो बोला था मैंने तुमको जो बोला था भूल जाते एक दूसरे को ठीक है वो वाली चीजें भूल जाते अच्छे मोमेंट याद रखेंगे आगे से जो है वो हम दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे आगे से ये ये हमारे रूल रहेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब नहीं पहले से जो पहले हो चुका है उस पर भी वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिवली और एक बात बताओ रेट्रोस्पेक्टिवली वो अमेंडमेंट हुआ और रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट करके और वोड़ाफोन को बोला कि आ इधर टैक्स ला तू कैसे खुश हुआ था मिठाई बांट रहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद तो मैं बोलू सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड किया जा सकता है वो कौन कर सकती है पार्लियामेंट कर सकती है पार्लियामेंट लॉ बना के कर सकती है Law में चेंज करके कर सकती है करके ठीक है तो आपको ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भाई साहब आया तो मतलब हम खुशी जीत गए नहीं हमारे पार्लियामेंट में इतना पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ओवरराइड किया जा सकता है ऐसा ही एक केस लॉ आपने सुना होगा बहुत बार आप ऐसे सुनते होंगे शाह का एक केस लॉ आया था बहुत पहले करके ठीक है शाहबानो ट्रिपल तलाक मैटर जो है उस पर हुआ क्या था कि उसके पति ने उनको ट्रिपल तलाक दे दिया उनके कुछ बच्चे भी थे और उसमें उनको जो जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है डाइवोर्स के बाद क्या बोलते हैं उसको एलेमनी तो एलिमनी देनी पड़ेगी ऐसा बोला गया साहबानो ने केस डाला था और केस डाल के बोला कि इसको एलिमनी मिलनी चाहिए क्योंकि उनके बच्चे हैं हस्बैंड ने मान लो डाइवोर्स दे दिया तो उसके बाद उसको एलिमनी मिलनी चाहिए कुछ टाइम बाद वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि नहीं सहाबानों को यस एलिमनी मिलनी चाहिए साहबानों को एलिमनी मिलनी चाहिए क्योंकि उनके बच्चे हैं और लाइफ टाइम उनको एलिमनी महीने का पांच सौ रुपए के करीब कुछ था कि पांच सौ रुपए हर महीने मिलना चाहिए, उनके को देना पड़ेगा अब वो जब जजमेंट आया तो एक पार्ट ऑफ द लाइक जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में इसको लेके बोला ऐसा कैसे है कि एलिमनी नहीं देंगे क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा है कि छह महीने तक देंगे उसके बाद नहीं देंगे तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था नहीं कि एलिमनी मिलनी चाहिए फिर राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उन्होंने लॉ में चेंज कर दिया और लॉ में चेंज करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर किया और ओवर करके उन्होंने बोला कि नहीं 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 मिलनी चाहिए मैक्सिमम छह महीने तक मिलेगी उससे बाद नहीं मिलेगी तो सुप्रीम UH! कोर्ट के जजमेंट को भी ओवरराइड किया जा सकता है तो आप यह समझ सकते हैं मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो लॉ ऑफ लैंड है पूरे इंडिया पर लगेगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मतलब मन nah. फाइनल लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ओवरराइड किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा तो जब भी आज मैं आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और बोला कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड है अभी से बंद आज के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आएगा गवर्नमेंट हो सकता है कुछ लॉ बना के और कुछ नई चीज लेके आ जाए और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बेचारे वो देखते रह जाए करके ठीक है कि भैया हम तो ऐसे ही बैठे हम कुछ भी करते हैं तुम चेंज कर देते हो बट क्या करे ऐसा हो सकता है ऐसा किया जा सकता है यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट यस और नो समझा कि नहीं समझा समझा तो अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार क्विकली वाव वाला रिवाइज कर देते हैं कि हमने इनकम टैक्स लॉ पढ़ा बोलो इनकम टैक्स लॉ इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आएगा इनकम टैक्स एक्ट आएगा इनकम टैक्स रूल्स आएगा फिनेंस एक्ट आएगा नोटिफिकेशन आएंगे एंड सर्कुलर एंड केस लॉस भी बट केस लॉ आपके इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है तो केस लॉ के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे बट मैंने आपको बताया कि केस लॉस कैसे कैसे होते हैं और सबसे बड़ा केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ आ गया मतलब फाइनल है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी ओवरराइड किया जा सकता है किसके द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा नया लॉ बनाने के बाद तो अभी आपको चाहिए ब्रेक कितने मिनट का ब्रेक पंद्रह मिनट तो पंद्रह मिनट का आराम से ब्रेक लीजिए उसके बाद हम चलेंगे कि इनकम टैक्स लगता किस किस को है वहां से हम चालू करेंगे ठीक है तो हेलो चालू करेंगे एक हाँ भाई यस पीपल डन विथ योर ब्रेक आप लोगों का ब्रेक हो गया ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है तो चलिए ब्रेक हुआ आप लोगों का बहुत सारे लोगों का अभी तक ब्रेक नहीं हुआ बाबू ऐसे कैसे चलेगा ए तुमको ऐसे मैं ऑनलाइन वालो तुमको जैसे ऐसे मैं बाबू वगैरह बोलता हूँ तो बुरा तो नहीं लगता ना बोले सर बाबू आप कैसे बोल सकते हो हमको बाबू कोई और बोलेगा मुझे पता है आपकी लाइफ में और कोई बोलने वाला तो है नहीं तो मैं ही सोच रहा हूं मैं ही बोल दू बाबू किसको बोलते हैं जैसे बड़े लोग होते हैं मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूं तो जो छोटे बच्चों को बाबू ही बोलते हैं ना तुम सेवेंथ ए में दो तीन साल के थे मैं सेवेंथ में सीपीटी पास हो गया था फाउंडेशन वाला पास हो गया था सेवन में हुँ? क्या बोल रही है नवंबर सेवन में नवंबर सेवन आई क्वालिफाई क्लियर माय सीपीटी एग्जाम सेवन क्लास लगा ओ नहीं नहीं सीपीटी क्लियर इन द सेवन सेवन में मैंने सीपीटी किया जिसको पहले फाउंडेशन बोल अभी फाउंडेशन बोलते हैं उसके बाद नवंबर नाइन में, में मेरा पीसीसी हुआ जिसको इंटर बोलते हो अब आप लोग और नवंबर इलेवन में फाइनल तो नवंबर एग्जाम मेरे लिए हमेशा फे, फेवरेट रहा नवंबर 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 चार साल में सीए कंप्लीट हाँ मैं मैंने नहीं दिया कभी तो पता नहीं अरे नवंबर ही आ रहा था नवंबर ही दूंगा ना फाउंडेशन ऐसे तुमने मई में, में दिया ऐसे तुमने जून में दिया ना नहीं तुमने भी तो नवंबर दिसंबर में दिया दिसंबर में ही तो दिया तो तुम्हारे लिए भी तो वही चल रहा है दिसंबर दिसंबर दिसंगर, 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 दिसंबर 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 नवंबर दिसंबर नवंबर दिसंबर हाँ 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 मृदुल अरे तुम फेस टू फेस वाले बच्चों तुम है ना जल्दी सेटल हो जाओ नहीं तो क्या होगा ना तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो कैसे चलेगा जल्दी फटाफट सेटल हो जाओ ऑनलाइन वाले बच्चों ओ भाई साहब सर आपने ये तो बताया नहीं हमको कौन कौन सी बुक मिलने वाली है आज तुमको बता देंगे लोगों को कितना इंटरेस्ट रहता ना कौन कौन सी बुक मिलेगी कलरफुल मिलेगी अब ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी भाई साहब वृंदा आदर्श अनिकेत गुड मॉर्निंग सोनल ऑनलाइन वाले बच्चों की तो बुक आ भी गई होगी चलिए तो सब लोग इधर ध्यान दो एक हजूर है क्या चाय पी रहा है अभी तक इधर देख मेरी तरफ देख क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो आप लोग कैमरा को बोल रहे हो इधर देख नहीं बट उधर उधर बोलो सब ही रहे हैं ना मुझे उनको ही देखना पड़ेगा ना मैं अगर ऐसे तुमको देखते रहूंगा तो वो लोग बोलेंगे हमको नहीं देख रहे हो आप तो मैं तुमको देख रहा हूं इधर देख यस राजदीप राहुल ऋतिक आदर्श हम आदित्य जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके भी नाम लेते हैं बाकी बच्चों के फेस टू फेस वालों के तो नाम ऐसे लेने की जरूरत ही नहीं है कभी कभी ले लेंगे ऑनलाइन वालों के नाम डायरेक्ट दिखते हैं फिर इसमें पूछना पड़ता है ये तुम्हारा नाम क्या है वैसा हो जाता है चलो इधर देखो किसी का नाम ऐसे मान लो वो रोहित जवर जैसा हो जाए चलिए अब क्वेश्चन ये आता है आ, किसी ने पूछा सर हमको कौन कौन सी बुक मिलेगी तो मैं आपको बता दू आपको क्लास में लिखना है चार सौ पेज की बुक तो वो आपको लेके आनी है लिखवाना मेरे को है एक तो वो बुक मिलेगी और दूसरा ये फोटो निकाल रही है करके ठीक है मैं फोटो वोटो मत निकाल कर निकाला कर ए, मेरी बीवी मतलब बोल देती है बोला है। चलो दो बुक मिलेगी आपको एक तो आपको ये वाली बुक मिलेगी जिसको कंपाइलर बोलते हैं क्या बोलते हैं कंपाइलर सो ये आपको बुक मिलेगी जो लोग ऑलरेडी जिनको बुक मिल गई होगी ऑनलाइन वालों को काफी लोगों को फेस टू फेस वालों को आज से मिल जाएगी आप जाके बुक कलेक्ट कर सकते हैं इफ यू हैव टेकन द एडमिशन अब एक बात समझना डायरेक्ट टैक्सेशन की ये बुक मिलेगी जिसको कंपाइलर कंपाइलर बोलते हैं और इस में मैंने हर टॉपिक के क्वेश्चन डाल रखे है साथ में कुछ क्वेश्चन के आंसर दे रखे है मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रखे जो हम क्लास में करेंगे जैसे आप देखोगे पहला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जनरल टैक्स रेट है क्वेश्चन नंबर वन है इसका आंसर मैंने नहीं दे रखा ये हम क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का आंसर नहीं दे रखा क्लास में करेंगे थ्री फोर फाइव का आंसर दे रखा थियोरिटिकल क्वेश्चन था तो मैंने आंसर दे दिया तो ये आंसर अपन यहीं से डिस्कस करेंगे अब एक बात समझना दो तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है हर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि यह क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है जैसे आप देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन एस एम क्वेश्चन है एस एम क्वेश्चन का मतलब हुआ स्टडी मैट ऑफ द आईसीआई सीए इंस्टीट्यूट का ये क्वेश्चन है तो यहां लिखा होगा एस एम क्वेश्चन ये एस एम क्वेश्चन है तो ऐसे इस क्वेश्चन के बारे में दे रखा होगा अगर कोई क्वेश्चन जो है वो कहीं और से लिया हुआ है तो उसके बारे में दे रखा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं और से भी लिया है जैसे एग्जाम्पल के लिए ये टॉपिक में मैं आपको बताता हूं जैसे कुछ क्वेश्चन है वो मैंने एम से लिया है एम का क्वेश्चन है ये एम का मतलब होता है मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई का हर बार मॉक टेस्ट पेपर आता है और वो मॉक टेस्ट पेपर से क्वेश्चन ले रखा है ऐसे ही किसी किसी क्वेश्चन के पास में लिखा हुआ है आरटीपी ये देखो रिवीजन टेस्ट पेपर ऑफ द नवंबर 20 एग्जाम ये नवंबर 20 एग्जाम का रिवीजन टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है तो मैंने आपकी बुक में जो आईसीआई ने दे रखे हैं वो आईसीआई के मटेरियल में जो दे रखा है वो हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन यहां कवर है हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट मीन हंड्रेड परसेंट एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आईसीआई ने मटेरियल में दे रखा है आपके और मैंने कवर नहीं किया ऐसा एक भी नहीं है और मैंने पिछले जो एम टीपीआरपी से मुझे लगता था ये चीजें रिलेवेंट है लेनी चाहिए तो वो मैंने एम टीपीआरपी से क्वेश्चन लिए हैं तो ये आपकी बुक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे दे रखे है अब आप समझेंगे हर टॉपिक के क्वेश्चन के बाद में मैंने लास्ट में एमसीक्यूज दे रखे हैं एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बिकॉज आपके थर्टी मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो थर्टी मार्क्स के मतलब टोटल में थर्टी मार्क्स के इसका मतलब डीटी का फिफ्टीन मार्क्स का जीएसटी का फिफ्टीन मार्क्स का

और कुछ ऐसे जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज आएंगे तो मैंने हर यहां पे पूरी कोशिश की है वो कवर है तो ऐसा करते करते फिर मैंने आंसर की दे रखी है हो सकता है कि भाई इसका आंसर अब कैसे आया वरी में क्लास में डिस्कस करूंगा जि जिस जिस एमसीक्यू में आपको डाउट आता है इसको करेंगे, जब तक मैं ना बोलू आप किसी भी एमसीक्यू को जाके अटेम्प्ट करने की कोशिश करना क्योंकि अभी इनिशियली पांच छह सात दिन तो मुझे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने में लग जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप और जैसे ही आप एक बार रिदम बैठ जाएगी उसके बाद मैं फटाफट आपको एमसीक्यू दूंगा और आप फटाफट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही ये टेस्ट सीरीज नंबर टू है तो ऐसा करते करते मैंने सात आठ टेस्ट सीरीज है वो डाली है तो ये एक बुक है जो फोर पेजेस की है जो आपको मिलेगी करके दिस इज द टू कलर बुक जिसमें कहीं पे ब्लू कलर यूज हुआ है और ब्लैक कलर यूज हुआ है ये बुक जो है ये दो कलर बिकॉज बच्चों को ऐसा लगता है ना भाई कि हमने फीस दिया तो बुक कलरफुल मिलेगी या ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी आजकल बच्चे बड़े हुए ऐसे हो गए ना अच्छा दिखना भी चाहिए करके ठीक है तो ये वाली बुक जो मिलेगी इसको कंपाइलर बोलते हैं सर किसी का क्वेश्चन ये आएगा कि क्या सर इसके बाद हमको आईसीआई का मटेरियल रेफर करना है आंसर इज नो

और कॉम्पैक्ट है वो बहुत ही फेमस बुक है आप अगर मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एकदम प्यारी वाली बुक है इसको बोला जाता है कॉम्पैक्ट तो ये एक बुक मिलेगी हैंड रिटन नोट्स करके और इसमें जो ये कॉम्पैक्ट रहती है ये कलर कोडेड बुक रहती है जिसमें जो हेडिंग रहता है वो नॉर्मली ब्लैक कलर में रहेगा ब्लू है वो मेन कंटेंट रहेगा जो आपको पॉइंट याद रखने हैं वो जो है वो रेड कलर में रहेंगे और ग्रीन कलर में अमेंडमेंट्स रहेंगे वो ग्रीन कलर में रहेंगे तो ये जो बुक रहेगी इस बुक को बहुत ही अच्छे से ड्राफ्ट किया गया ये देखो येलो तो ऐसे हाईलाइट कर रखा है इसको हाईलाइट वाले पार्ट को छोड़ दीजिए तो ये जो बुक है ये बुक में लगभग वही चीजें रहेगी जो हम क्लास में लिख रहे हैं लगभग वही चीजें लग लग बोल रहा हूं हो सकता है अलग अलग मतलब लैंग्वेज लिखवाते टाइम में कुछ अलग लिखवा हो सकता है इसमें कुछ अलग रहे अब आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहेगा कि सर देखो थियरी जब इसमें दे ही रखा है तो फिर आप लिखवा क्यों करके ठीक है एक बात बताऊं देखो ये सब्जेक्ट जो है ना ये है पचास मार्क का लेकिन यह सब्जेक्ट आपके चारों तीनों सब्जेक्ट जो फर्स्ट ग्रुप में उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रिकी सब्जेक्ट है और यू कैन से दैट जिसमें आपको रिटेन करना पड़ेगा वो इनकम टैक्स है और यह सब्जेक्ट आपके हर जगह काम आने वाला है जब आप सीए बनोगे तब भी काम आने वाला है आर्टिकलशिप में भी काम आने वाला है आर्टिकलशिप में भी लाइक आपको इनकम टैक्स में जाना है तो यह काम आएगा हर रिलेटिव आपको कॉल करके पूछेगा कि मेरे को टैक्स कैसे बचाना है तो यह सब्जेक्ट में एक चीज होती है देखो अगर आप कोई चीज रीड करते हो ना वो रिटेन कुछ टाइम तक रहती है लेकिन अगर आप उसको लिखते हो आपकी हैंडराइटिंग में वो चीज लिखी हुई है तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आता है और वो लंबे टाइम तक आपको रिटेन रहता है लंबे टाइम तक जो है वो आपको रिटेन रहेगा अगर आपने वो लिखा है और हर चीज लिखने का और मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूं मैंने बहुत सारे ऐसे रैंकर के इंटरव्यू लिए जब मैं रैंकर से भी पूछता हूं तो मैं बहुत बार ऐसे पूछता हूं कि तुम्हारे पास कॉम्पैक्ट भी तो था तुम तो बहुत होशियार हो तो क्योंकि रैंकर है तो ऑब्वियसली होशियार रहेगा करके ठीक है तो तुम तो बहुत होशियार हो तुमको लिखने की क्या जरूरत तो वो बोलते नहीं सर जब हम लिखते हैं ना एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना जब भी मैं लिखवाता हूं तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें प्रोसेस हो रही होती है वो आपके दिमाग में भी प्रोसेस होनी चाहिए और ये पता है दो तीन चार दिन बाद ऐसा हो जाएगा आपको पहले से पता चलेगा कि भवर सर अगली लाइन में क्या लिखवाने वाले हैं आपको पहले क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका एक बड़ा सिंपल है मैं पहले एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा और समझाने के बाद मैं फिर उस कॉन्सेप्ट को लिखवाऊंगा तो जब मैंने समझाया है वो आपके दिमाग में चला गया फिर जब लिखवाते टाइम आप जब लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीबी सर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखवाने वाले हैं और ये होने वाला है और ये इसलिए मैं बोलता हूं कि लिखना बहुत जरूरी है तो आप में से कोई भी चिटिंग नहीं करेगा बेसिकली फेस टू फेस वाले तो कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ पे दो चार लोगों को मार भी देता हूं करके ठीक है लास्ट टाइम मैंने यहाँ फोर्थ फ्लोर से नीचे भी फेंके थे दो चार लोग ठीक है तो मैं बोल रहा हूं फेस टू फेस वाले तो नहीं करेंगे बट भैया जो इंटरमीडिएट के ऑनलाइन वाले हमारे बहुत सारे बच्चे हैं हजारों बच्चे ऑनलाइन जो हमको सुन रहे हैं आप चिटिंग मत करना जो मैं लिखवाऊं वो आप लिखते जाना तो दिस इज द कॉम्पैक्ट ये वाली एक बुक है बहुत ही सुंदर वाली बुक है करके ठीक है आप देखोगे तो ये वाली जो बुक है इसमें कुछ एग्जाम्पल भी है ये ये वाली बुक है है क्या करना है सर फिर एक आधा टॉपिक क्योंकि आपका मन करेगा कि सर है ना इतनी प्यारी बुक है कम से कम से एक आधा टॉपिक तो बुक से पढ़ा लो करके ठीक है तो मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए दो टॉपिक जो है इससे पढ़ा लूंगा करके ठीक है बाकी सब टॉपिक हम लिख के पढ़ने वाले हैं और साथ में आपको जो बुक मिलेगी क्वेश्चन आंसर की उससे हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं तो ये आपको बुक रहेगी जिन्होंने पूछा था वो वाला ठीक है तो किसी ने पूछा बुक क्या मिलेगी ये दो बुक मिलेगी और बाकी मैं पढ़ाऊंगा ठीक है और कुछ जज करना है तो कर लो मतलब कैसा लगता होगा ना बेचार देखो अच्छा एक और चीज है ना आप लोग एक दो है ना इंटरव्यू देखना एक रैंकर का इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बंदा एक अर्जुन मेहरा करके एक ऑल इंडिया रैंक वन था अभी का नहीं दो साल पहले का उसका एक इंटरव्यू है मेरे चैनल पे आप जरूर देखना मतलब आप जब देखोगे ना बिकॉज क्या होता है ना लाइफ में बहुत बार अपने को यह लगता है कि नहीं यार मतलब ये जो बंदे की रैंक आई तो ये तो लक है या ये तो बहुत होशियार है इसीलिए आई ऐसा नहीं है उसमें एफर्ट भी लगते हैं उसमें मेहनत करनी पड़ती है दिन में पंद्रह पंद्रह घंटे आपको पढ़ना पड़ता है और आप सुबह वो बंदे का जब इंटरव्यू देखोगे वो इतना सुलझा हुआ बंदा मुझे लगा ना आज तक मैंने जितने इंटरव्यू लिए सबसे अच्छा इंटरव्यू मुझे उसका लगा उसका बोलने का तरीका एंड उसने जो बताया कि कैसे वो पढ़ता था क्या करता था आप अभी इंटरमीडिएट का जर्नी चालू कर रहे हो तो अगर आप टारगेट कर रहे हो देखो एक बात है देखो रैंक सबको नहीं आने वाली अगर मान लो अपन बोलेगे भाई सबको ही रैंक आने वाली है क्या ऐसा नहीं होता है देखो रैंक लिमिटेड होती है ज्यादा ज्यादा सौ लोगों को रैंक आ जाएगी क्योंकि पचास रैंक होती है जिनका सेम सेम नंबर रहता है सौ लोगों को रैंक होगी करके ठीक है बट रैंक का टारगेट करने से फायदा क्या होता है कि इफ यू टारगेट फॉर द रैंक आप मेहनत उतनी ज्यादा करते हो और एटलीस्ट पास तो हो ही जाते हैं ना अपने को होना तो पास ही है ना सीधी सी बातें करके ठीक है तो अगर आपका टारगेट रैंक है देखो अपन अगर कोई बोले कि नहीं नहीं सबको रैंक आ जाएगी ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये पॉसिबल ही नहीं क्योंकि रैंकर जो होता है बच्चा उसमें भगवान की कुछ चीजें गिफ्ट गिफ्टेड होती है करके गॉड गिफ्टेड होती है आपने देखा होगा आपके बहुत सारे ऐसे क्लास में फ्रेंड रहेंगे जो कम पढ़ते हैं बट आपसे ज्यादा मार्क्स ला लेते हैं उनके दिमाग में प्रोसेस भी जल्दी होता है सर ने कोई भी क्वेश्चन पूछा वो फटाफट आंसर करता है अपने को लगता है अपन क्या कर रहे हैं करके ठीक है बट कोई फर्क नहीं पड़ता मैं भी आपके जैसा ही था मैं जो है मेरी आज तक इंडिया में मतलब कोई भी रैंक मेरी तो नहीं आई मेरे नो डाउट मेरे जो बच्चे पढ़ाता हूं उनकी रैंक जरूर आती है करके ठीक है इस बार हमारी कुछ 120 के करीब रैंक थी इन द फाइनल इंटरमीडिएट मिला के वन स्टूडेंट स्कोर द ऑल इंडिया रैंक करके तो मैं ये बोलू मेरी कोई रैंक नहीं थी बट मुझे मेहनत करनी आती थी मुझे पता था कि अगर मान लो मेरी रैंक नहीं भी आए बट मैं अगर टारगेट इतना अच्छा करूंगा तो कम से कम मैं पास तो हो ही जाऊंगा ना और वो टारगेट होना चाहिए बिकॉज अगर आपने माउंट एवरेस्ट की तैयारी की है तो छोटे मोटे पहाड़ पे तो हम ऐसे ही चढ़ जाएंगे अगर आप तैयारी ही छोटे मोटे पहाड़ की करोगे तो तो भैया फिर गिरने ही वाले हो कि छोटे मोटे पहाड़ पे भी थक जाओगे तो तैयारी नो no डाउट आप माउंट एवरेस्ट की करो अगर अपन माउंट एवरेस्ट फतेह कर पाए तो ठीक है नहीं कर पाए तो ठीक है करके उसमें क्या फर्क पड़ता है बट तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए मेहनत करते रहना पड़ेगा ये अगले जब तक आपका एग्जाम नहीं होता लाइफ में बहुत सारे आपको डिस्ट्रेक्शन मिलने वाले हैं जब आप बाहर आते हो ना जब आप गांव से आप में से बहुत सारे लोग जो है जो पुणे में मेरे सामने फेस टू फेस बैठे हैं वो बाहर से आए हैं कोई अमरावती से आया है कोई नांदेड़ से आया है कोई कोल्हापुर से आया है कोई कहीं से आया है वो यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लगेगा इनिशियल दस पंद्रह दिन में कि यार कहाँ आ गए अपन शायद छोड़ देते हैं क्या मतलब हमारा गाँव में कितना अच्छा था घर कितना बढ़िया था करके ठीक है आराम से खाना भी मम्मी बहुत अच्छा बना के देती थी गरम गरम यहाँ तो खाना भी कैसे मिल रहा है बट आप हमेशा एक चीज अपने आप से पूछना कि क्या आप घर से निकले थे तो ये यह, यह सोच के निकले थे कि हम वापस चले जाते हैं? नहीं आप मेहनत करना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना यही तो लाइफ है यही तो लाइफ का मजा है गाइज मैं जब मुंबई आया पहली बार आई एम फ्रॉम राजस्थान राजस्थान का एक छोटा सा गाँव है सिरोही करके जगह है माउंट आबू के पास में माउंट आबू ऊपर है सिरोही नीचे है सिरोही के पास में एक छोटा सा गांव है जावल वहां से मैं पढ़ा मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं करके ठीक है एकदम हिंदी माध्यम मतलब एकदम हिंदी मीडियम करके ठीक है जिसमें मैंने सीपीटी का जो फाउंडेशन एग्जाम बोलते हो वो भी मैंने हिंदी में दिया था वो भी लिखा भी हिंदी में था मैं जब इंटरमीडिएट में आया तो इंटरमीडिएट में मैंने दिया इंग्लिश में बट बहुत बार मैं पढ़ता हिंदी में ही था क्योंकि मुझे समझ में हिंदी में आता था लिखांकन जो है अकाउंटिंग को मैं लिखांकन बोलता था ठीक है गुडविल जो होती है उसको मैं ख्याति बोलता था गुडविल को ख्याति बोलते पता है ना ट्रायल बैलेंस जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? तल्पत। तल्पत होता है, वो ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं है, खाता बैलेंस शीट को छिट्टा बोलते हैं ठीक है दो लड़कियां तो बोलते हैं है, काला चिट्टा खोल दूंगी मतलब तो so और मैं जब उस बैकग्राउंड से आया तब जब मैं पहली बार मुंबई आ रहा था आज भी वो दिन याद है 2007 की बात है जब मेरा सीपीटी क्लियर हो गया था पहले सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप होती थी मैं मुंबई आया और मुंबई आने के बाद भाई अपने बड़े बड़े सपने होते हैं जब अपन बड़ी सिटी आते हैं आप लोग भी जब गांव से आए हो तो ये सपने लेके आए होंगे करके ठीक है कि यार अपन पुणे जाएंगे वहां पे ऐसा होगा अच्छा होगा हम सीए बनेंगे फिर सीए बनने से पहले आर्टिकलशिप होगी बहुत अच्छी फॉर्म में होगी आर्टिकलशिप ये सब आपने सपने लेके आए हो हर किसी के मन में यह सपना है हर कोई चाहता है कि मुझे इंटरमीडिएट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे को इंटरमीडिएट क्लियर नहीं करना है हर कोई चाहता है लेकिन गैस जब मैं मुंबई आया मैं जस्ट मेरी लाइफ की थोड़ी सी आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को कनेक्ट कर पा रहा हूं मैं खुद से जब मैं मुंबई आया था तो जब मैं मुंबई आया अब मुंबई में रहे कहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे घर वाले खेती का काम करते थे तो हमारी मुंबई में कोई पहचान नहीं मतलब कुछ भी पहचान नहीं मैं मुंबई आ गया एक मेरा मासी का लड़का था और वो मासी का लड़का डायमंड फैक्ट्री में काम करता था डायमंड में जो का जिसको अपन बोलते हैं हीरे में का, का काम करते हैं घिसाई का, का काम करता है ठीक है वैसा कुछ काम करता था मुंबई में तो मैं बस से उतरा बस से आया राजस्थान से बस से उतरने के बाद मैं उसके रूम पे गया उसके रूम छोटा सा रूम था दस बाय दस का उसमें ऑलरेडी आठ लोग रहते थे करके ठीक है टेन बाय टेन का रूम आठ लोग वो भी स्लैब डाल के चार नीचे सोते हैं चार ऊपर सो रहे हैं

तो मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे गांव में साथ में काम कर पड़ता था मतलब साथ में पढ़ता था वो मुंबई में एक एयरटेल की गैलरी में काम करता था एयरटेल की जो गैलरी जिसमें सिम कार्ड बेचे जाते हैं मोबाइल के रिचार्ज बेचे जाते हैं एयरटेल की छोटा सा गैलरी होता है उसमें वो काम करता था उसका नाम गणेश है तो वो मेरे साथ पांचवी क्लास में पढ़ता था बट पांचवी छठी के बाद उसने हमारे गांव में यही सिस्टम था कि जो पांचवी छठी सातवीं के बाद लोग गांव चले जाते थे मतलब कमाने चले जाते थे कुल मिला के तो वो एयरटेल गैलरी मैंने उसको कॉल किया मैंने कहा तू कहाँ रहता है तो बोलता है Joe, मैं एयरटेल की गैलरी में रहता हूँ तो वहीं पे काम करता हूँ और पूरे दिन वहाँ काम करता हूँ फिर शाम को गैलरी बंद हो जाती है गैलरी में मैं सो जाता हूँ तो मैंने उसको बोला यार मेरे को रहने के लिए चाहिए तो उसने मुझे बोला कि मैं मेरे वो सेठ से बात करता हूँ और सेठ से बात करके मैं बताता हूँ कि यहाँ रहने के लिए है या नहीं देन उसने उसके सेठ से बात की और उन्होंने बोला कि भवर तुझे पाँच सौ रुपये देना पड़ेगा महीने का रहने के लिए

तकलीफ में होता है ना तो वो अपने आप को कंफर्ट में डालने की कोशिशें करने लगता है उसको मेरे को लगता था गांव अच्छा ही तो है यार क्या बुरा है वहां तो इतना बड़ा घर है वहां तो इतना बड़ा खेत है क्या करेगा कमी कमाएंगे 15 कमाएंगे वहां पे पे कहीं कुछ करेंगे और वहां पे जिंदगी गुजर ही जाएगी ऐसा मैं अपने आप को बहुत बार सोचता था मैं ऐसा अपने आप को लाइक कन्विंस करता था कि मैं चला जाऊं बट फिर वापस दिल से लगता था कि नहीं यार मैं क्या इसके लिए मुंबई आया था क्या मैं वापस चला जाऊं मैं रहा वहां पर छह महीने रहा आपको मैं बताऊं संडे को भी मेरे लिए घर नहीं था वहां पे एयरटेल की गैलरी बिकॉज संडे को भी वो दुकान चलती थी तो संडे को मैं क्या करूं अब संडे को ऑफिस की छुट्टी तो मैंने सर से चाबी ले रखी थी मैं संडे को भी ऑफिस जाके बैठता था और ऑफिस जाके एंड आई यूज टू वर्क इन द ऑफिस मैं संडे को भी ऑफिस जाके और मैं काम करता था पूरे संडे ऑफिस में काम करता था सर मुझे बहुत बार बोलते थे कि तू क्यों आता है संडे को ऑफिस मैं ये नहीं बोलता था कि मेरे पास घर नहीं है अच्छा नहीं लगेगा ना ठीक है कि मैं कैसे बोलू कि मेरे पास रहने को नहीं है संडे को तो मैं बोलता नहीं नहीं सर मुझे ऐसे ही काम करना बहुत पसंद है तो मैं संडे को ऑफिस आ जाता था तो आई यूज टू वर्क इन दैट ऑफिस और मैं संडे को भी ऑफिस चला जाता था मैंने वहाँ बहुत काम किया छह महीने बाद मुझे, मुझे मुंबई में पता चला कि कहीं हॉस्टल भी है तो वहाँ से एक वसई करके एरिया है मुंबई से थोड़ा दूर पड़ता है तो वसई में एक सी इंस्टीट्यूट का हॉस्टल है वहाँ कम रेट में बच्चों को रहने को मिल जाता है तो आई शिफ्टेड देयर एंड वसई से रोज ट्रैवल होता था एक घंटा लगता था जहां मैं क्लास करता था वहीं पे आर्टिकल शिप सुबह क्लास रहती थी तीन घंटा दिन में आर्टिकल शिप शाम को ये सब चीज़ शाम को वापस क्लास होती थी और रात को जब मैं घर पे पहुंच वहां हॉस्टल पहुंचता था तो कम से कम ग्यारह साढ़े ग्यारह बज जाते थे क्योंकि नौ बजे तक क्लास है वो विलय पार्ले में कंप्लीट होती थी वापस वसई जाने में कम से कम ग्यारह साढ़े ग्यारह बज जाते थे वहां जो खाना मिलता था वो खाना शाम को छः बजे सात बजे हॉस्टल में बन जाता है तो वो खाने को ऐसे दो थाली के बीच में रखा जाता था कि एक थाली में आपका खाना है उसके ऊपर दूसरी थाली ढक के रखते थे क्योंकि बोलना होता था कि भाई हम लेट आएंगे वो खाने में जो रोटी है वो आधी कच्ची आधी पक्की जैसी रोटी मिलती थी बहुत बार तो ऐसा लगता था आपको लग रहा है कि दिख रहा है कि कच्ची है तो आप उसको चूर के और उसमें सब्जी डाल के खा लो तो आपको दिखेगा नहीं तो मैं बताऊँ ना लाइफ में ये सब चीजें होती है बट यही तो इंसान को स्ट्रांग बनाती है यही तो इंसान को रिस्क लेना बनाती है तो मैं बताऊं आपके साथ में ऐसा लाइफ में अगर हो रहा है या आप अगर ये फील करोगे तो डोंट वरी अबाउट दैट इससे ऐसा मतलब अपने आप को उससे डर के जाना मत या पीछे मत हट जाना कि नहीं नहीं यार मैं ये मतलब नहीं कर सकता करके मैं तो नहीं करूंगा मैं तो चला जाऊंगा मेरा तो हेल्थ खराब है मम्मी की याद आ रही है ये हो रहा है वो हो रहा है कुछ नहीं होने वाला अल्टीमेटली मैं बताऊं आपको कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी हार्डवर्क करना पड़ेगा और रोज मेहनत करनी पड़ेगी ये अगले सात आठ महीने आपकी लाइफ में ऐसे रहने वाले हैं ना जो आप, आप सोचोगे बहुत बार यार हम क्या कर रहे हैं क्लास कर रहे हैं घर पे जाके भी दो घंटे पढ़ना है इतना हम पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं अपना पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है मैं बता दू मेहनत कर लो इसके बाद की लाइफ ऐसी होगी ना जो करोड़ों लोगों की ख्वाहिश होती है सीए एक ऐसी डिग्री है मैं क्यों बोलता हूं सीए करना चाहिए एक ऐसी डिग्री है कि जिसमें ये प्लेटफॉर्म मिलता है कि अगर आप सीए बन गए तो कम से कम सत्तर अस्सी हजार लाख रुपए आप कहीं भी कमा लोगे ये ये डिग्री का पावर है तो आप

पढ़ना तो पड़ेगा मेहनत तो करनी पड़ेगी एक बार तो करनी पड़ेगी बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है हार्डवर्क करना पड़ेगा आप कितने टैलेंटेड थे पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज सीए ऐसी चीज है ना जहां पे आपको हार्डवर्क करना पड़ता है और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड अगर आप टैलेंटेड थे इसी में रह गए हम तो बहुत टैलेंटेड थे स्कूल में तो हम फर्स्ट आते थे करके ठीक है भैया अगर आप उसी में रह गए तो जो बंदा सिर्फ हार्डवर्क कर रहा है वो आपसे आगे चला जाएगा तो टैलेंटेड हो तो भी हार्डवर्क करना है टैलेंटेड नहीं हो तो भी हार्डवर्क करना है बिकॉज बिना हार्डवर्क के यहां पे कोई नहीं मिलने वाला और मेहनत करो दिल भर के मेहनत करो और मेहनत करोगे तब आपको फ्रूट मिलेगा और वो फ्रूट का जो मजा है वो अलग ही लेवल का है सच में अलग ही लेवल का है आज जब मैं मुंबई में मेरे बहुत सारे बच्चे जब सीए बनते हैं मुंबई आते हैं मिलने आते हैं जब मैं उनसे मिलता हूं बहुत अच्छा लगता है और सीए बनने के बाद क्या करते हैं मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं सैटरडे संडे छुट्टी है पार्टी करते हैं और हर सैटरडे संडे पार्टी करते हैं बिकॉज उनके पास जॉब है अच्छा खासा कमा रहे हैं तुम अगर अभी पार्टियां करने लग गए तो फिर आगे जो है वो पढ़ाई करनी पड़ेगी तो अभी पढ़ाई कर लो सीए बनने के बाद पार्टी करना हर सैटरडे संडे पार्टी करना मेहनत तो करनी पड़ेगी बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता चलिए अब अपन आगे चलते हैं तो मैं यही बोल रहा था कि लाइक मेहनत तो करनी पड़ेगी कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो आप हिंदी मीडियम के हो मराठी में आपने पढ़ाई की है कोई फर्क नहीं पड़ता अब आप आगे क्या करोगे ना वो ज्यादा जरूरी है मैं जब मुंबई पहली बार आया मैं जब क्लास गया तो बहुत सारे लोग वहां इंग्लिश में बात करते थे मेरे को समझ में ही नहीं आता था ये क्या बात कर रहे हैं कोई है वो वो कोई मतलब टीवी शोज की बात कर रहा है इंग्लिश वाले कोई इंग्लिश बुक की बात कर रहा है हम भाई साहब एकदम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे हमारे लिए तो वो अलग ही दुनिया थी में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने वाला है जब आप हॉस्टल में मिलोगे किसी से या आप यहां मिलोगे कोई हो सकता है अच्छी स्कूल में पढ़ा हो आप उस स्कूल में नहीं पढ़े हो आप हिंदी में पढ़े हो मराठी में पढ़े हो आपको इतना पता ही नहीं इंग्लिश में वो क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता बट मैं बताऊं इंटेलिजेंट हो आप, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बट बोलने की कोशिश तो करो ये क्लास में जो है आप डाउट पूछने की कोशिश तो करो ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज बहुत बार क्या होता है मैं भी ऐसा बहुत सोचता था पहले कि मैं डाउट नहीं पूछता था क्यों नहीं पूछता था मैंने कहा मेरी बेज्जती हो गई तो मैंने गलत तरीके से पूछ लिया तो और सर ने मुझे इंग्लिश में आंसर किया और फिर मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ा तो वैसा मैं बताऊं मत सोचना आप इस क्लास में मैं आपका भाई हूं यह समझ लेना आप कुछ भी गंदे से गंदा डाउट पूछोगे चलेगा गंदे से गंदा जैसा आपका डाउट है आप मेरे से आके पूछ सकते हो क्लास में अगर आपको शर्म आती है इन बिटवीन द लेक्चर कोई बात नहीं आप लास्ट में आके मुझे पूछ लेना कि सर इसका क्या होगा करके आप लिख के आना और बहुत बार क्या होता है हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो बीच में डाउट का आंसर नहीं कर पाते आप लिख लो और लिखते लिखते बहुत सारे डाउट तो आपके पहले ही क्लियर हो जाएंगे और भी अगर कुछ डाउट बच जाता है तो लास्ट में आप मुझे पूछ सकते हो कुछ कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चलिए किसी ने बोला खुद को मोटिवेट कैसे करे देखो खुद को खुद को मोटिवेट कैसे करें अब खुद को मोटिवेट तो करना ही पड़ेगा ऑप्शन नहीं है दो तरीके हैं एक तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो मैं आपको देता हूं मैं आपको हर रोज चार पांच मिनट सुना ही दिया करूंगा दूसरा है कि इंटरनल मोटिवेशन जब आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं देखो खुद को खुद से बात करना चाहिए कभी कभी आप दूसरों से बहुत बात करते हो फोन वोन पे खुद से बात करो पहले आप मिरर के सामने जाओ आप अपने आप से पूछो मैं लाइफ में कोई भी डिसीजन लेता था ना तो मैं अपने आप से तीन क्वेश्चन पूछता था कि मैं कौन हूं मैं क्या कर रहा हूं और क्या मुझे यह करना चाहिए या नहीं चाहिए अगर तीनों का आंसर यस है तो मुझे वो करना चाहिए और तीनों में से किसी का आंसर अगर मुझे लगता है गलत है यह करना मेरे लिए तो मैं नहीं करता था एग्जाम्पल के लिए मैं कौन हूं मेरा नाम मेरे फैमिली बैकग्राउंड मैं कहां से आया हूं वो सब मैं क्या कर रहा हूं आप जो काम कर रहे हो उस टाइम पे आपको डिसीजन लेना है मैं क्या कर रहा हूं And क्या यह करना मेरे लिए सही है मेरे सब बैकग्राउंड वगैरह को देखते हुए अगर अगर तो आप अगर आपको आपको लगता लगता है ये सही नहीं है 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 सही सही तो 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 आप 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 कर 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 लो लो और नहीं छोड़ दो मैं मान पढ़ाई 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 रहे रहे हो तो कर रहे हो आपका बैकग्राउंड आप क्या कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो क्या ये करना आपके लिए सही है आंसर इज यस बिल्कुल तो ये करना चाहिए अगर आप मान लो सो रहे हो क्लास बंक कर रहे हो टाइम पास कर रहे हो दो दिन घूमने जा रहे हो यहाँ पे वो कौन सा एक रोड है वहां पे घूमने जाते हैं रोड़ 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 सोच के आए गांव से से करके के पहले तो तो पे पे जाके बड़ा गाएंगे, पे जाके वहां तो जा रहे 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 हो 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 टाइम पास कर कर आप 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 अपने पूछिए कि क्या क्या ही है आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो और आपके लिए आगे बढ़ा करो लाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, अच्छी है मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं कहीं पर ऐसा लिखा होता है तो कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बिना कड़ी मेहनत बिना उसके कुछ नहीं हो सकता चलिए अब अपन चालू करते हैं इनकम टैक्स इनकम टैक्स की पहली सेक्शन आज पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर फोर सेक्शन नंबर फोर जो है अग्रवाल देख सेक्शन नंबर फोर जो है चार्जिंग सेक्शन है एक बात बताओ चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है चार्जिंग सेक्शन मीन चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन जैसे क्या होता है चार्जिंग सेक्शन होती है जैसे कल मैं कुछ हेड बता रहा था और वो पांच हेड मैंने आपको बताए थे और पांच हेड कौन कौन से सबसे पहला कौन सा था सैलरी दूसरा कौन सा था हाउस प्रॉपर्टी तीसरा बिजनेस चौथा कैपिटल गेन पांचवा अदर सोर्स हर हेड की भी एक चार्जिंग सेक्शन होती है और सैलरी हेड की चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन नंबर फिफ्टीन इसकी चार्जिंग सेक्शन होती है ट्वेंटी टू इसकी चार्जिंग सेक्शन होती है ट्वेंटी एट इसकी चार्जिंग सेक्शन होती है फोर्टी फाइव वन और इसकी चार्जिंग सेक्शन होती है फिफ्टी सिक्स चार्जिंग सेक्शन यह बताती है कि भाई इनकम जो है वो इस हेड में कब जाएगी भाई कैसे पता चलेगा कि इनकम इस हेड में जाएगी तो वहां लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो इनकम सैलरी में जाएगी अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी है एंड हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी तो ये चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ है अब क्वेश्चन ये आता है पढ़ रहे हैं चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स की क्या इनकम टैक्स लगेगा कब भाई इनकम टैक्स लगेगा कब किसको इनकम टैक्स लगेगा कब इनकम टैक्स लगेगा तो दैट इज द चार्जिंग सेक्शन मतलब इनकम टैक्स चार्ज किस पे होगा किस पे चार्ज होगा भाई किस पे इनकम टैक्स लगेगा जैसे फॉर एन एग्जांपल क्या मैं इनकम कमा रहा हूं मुझे इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा या मान लो एनिमल्स है उनपे इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा इनकम टैक्स किस पे लगेगा भगवान है भगवान को पैसा मिल रहा है मंदिर को क्या इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा तो देखो इनकम टैक्स किस पे लगेगा तो सबसे पहली चीज है क्या लिखा हुआ है लिखना बाद में आप इधर ध्यान दे दो यहां लिखा हुआ है इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स इज चार्ज इनकम टैक्स लगेगा फॉर एवरी असेसमेंट ईयर एवरी असेसमेंट ईयर एवरी असेसमेंट ईयर पहली चीज तो एक बात बताओ असेसमेंट का मतलब क्या होता है असेसमेंट वर्ड का मतलब, नहीं नहीं। है, का मतलब क्या होता है असेसमेंट असेसमेंट वर्ड का मतलब अपने टेक्स की भाषा ही नहीं बतानी अपने को नॉर्मल बोलते हैं असेसमेंट कर लो असेसमेंट का मतलब क्या होता है कोई भी प्रोसीजर या एनालिसिस दैट इज कॉल्ड असेसमेंट या उधर से क्या बोला इवेल्यूएट करना किसी चीज को इवेल्यूएट करना दैट इज कॉल्ड असेसमेंट एक बात बताओ आप लोग जो है अपने स्कूल में एक नोटबुक में लिखते थे और उसके बाद आपकी टीचर उसका क्या करती थी असेसमेंट करती थी वो बोलते हैं ना असेसमेंट कर रही है टीचर दैट इज असेसमेंट करती थी यहां बोला है कि इनकम टैक्स चार्ज होगा एवरी असेसमेंट ईयर में अब आप बोलोगे ये असेसमेंट ईयर क्या है असेसमेंट ईयर क्या है तो मैं आपको बताऊं असेसमेंट ईयर ऐसा ईयर होता है जिस ईयर में आपकी इनकम को इवेल्युएट किया जाता है और उस इनकम पे टैक्स लिया जाता है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर ईयर तो असेसमेंट मींस आपकी जो इनकम होगी उस इनकम को इवेल्युएट किया जाएगा एंड उस पर टैक्स लिया जाएगा दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर आप मुझे एक बात बताओ मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आज मैं आज पढ़ा रहा हूं मैं आज भी कुछ ना कुछ इनकम तो कमा रहा हूं हां कमा रहा हूं क्या नहीं कमा रहा हूं यस और नो यस और नो यस कमा रहा हूं मैं जैसे ही आपकी क्लास के बाहर निकला क्या बाहर इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा है क्या और वो बोले रुक रुक भाई रुक तूने इनकम टैक्स कमाई है अभी का भी तू मुझे टैक्स भर क्या वो अभी का भी बोलेगा क्या टैक्स मैं कब भरूंगा पता है अगले साल कब भरूंगा अगले साल तो अगले साल को क्या बोला जाएगा असेसमेंट ईयर क्या बोला जाएगा असेसमेंट ईयर और जिस साल में इनकम कमाई जाती है उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर क्या बोला जाता है प्रीवियस येर. समझ में आ रहा है ना असेसमेंट का मतलब क्या तो देखो जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हो मैं अभी आपके सामने पढ़ा रहा हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं आज की जस्ट यहां पे डेट लिख रहा हूं मुझे बताइए आज की डेट क्या है 16 फेब 2024 ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ रही है कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ रही है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से चालू होता है मार्च में कंप्लीट होता है तो मैं बोलू ये फिनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री में आ रही है हाँ भाई तो 23-24 में जो भी मैं इनकम कमा रहा हूं क्या मेरे को अभी का भी टैक्स भरना है नहीं इसका अगला वाला जो ईयर आएगा दैट इज 24-25 इसको बोला जाएगा असेसमेंट ईयर क्या बोला जाएगा असेसमेंट ईयर तो प्रीवियस ईयर का मतलब वो ईयर जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हो क्या करते हो कमाते हो और असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में उस इनकम पे टैक्स भरते हो रिटर्न फाइल करते हो अपना इवेल्युएशन करते हो क्या करते हो इवेल्यूएशन असेसमेंट का मतलब ही तो था इवेल्युएशन तो भैया प्रीवियस ईयर तेईस चोइस में जो इनकम कमाऊंगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में उसका इवेल्युएशन इस साल में होगा और जो इनकम मैं मार्च तक कमा लूंगा अब फेब चल रहा है मार्च तक जो इनकम कमाऊंगा उसका मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और इनकम टैक्स में आपको पता है नॉर्मली रिटर्न फाइलिंग की ड्यूरेट क्या आती है थर्टी फर्स्ट जुलाई 2024 आएगी या फिर किसी किसी के लिए ऑडिट होती है तो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आती है इस डेट को मैं मेरा इवेल्यूएशन कर दूंगा कि इस लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम कमाई है उस पर कितना टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को मैं भर दूंगा तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर तो देखो इन्होंने बोला इनकम टैक्स चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर मीन हर असेसमेंट ईयर में आपको इनकम टैक्स लगेगा अब आप बोलोगे एवरी असेसमेंट मतलब क्या इनकम टैक्स ऐसा टैक्स है कि जो एक बार आपने भर दिया एक इनकम पे भर दिया आपने तो जिंदगी में वापस आप इनकम कमाओगे उस पर टैक्स नहीं भरना ऐसा है या हर साल की इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा हर साल की इनकम पे भरना पड़ेगा या एक बार जिंदगी में भर दो तो फिर जिंदगी में भरने की जरूरत नहीं क्या ऐसा है क्या आपको एवरी ईयर की इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा इस साल जो मैंने कमाया उस पर भी टैक्स भरना है असेसमेंट ईयर में फिर अगले साल मैं कमाऊंगा उसके उसके अगले असेसमेंट ईयर में टैक्स भरना पड़ेगा।, पड़ेगा तो एवरी असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स चार्ज होता है ऐसा नहीं कि भैया एक बार टैक्स भर दिया तो बस हम तो अब जिंदगी में कभी निर्मला सीतारमन जी को टैक्स नहीं भरेंगे ना बाबू ना आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा एवरी असेसमेंट ईयर में बढ़ना पड़ेगा तो चार्जिंग सेक्शन बोलती है कि इनकम टैक्स चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर हर असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स लगेगा अब इनकम टैक्स किसको लगेगा भाई तो नेक्स्ट लाइन बोलती है इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन हर पर्सन पे लगेगा एवरी पर्सन पे लगेगा एवरी पर्सन हर पर्सन को इनकम टैक्स लगेगा एवरी पर्सन को इनकम टैक्स लगेगा अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये एवरी पर्सन को लगेगा पर्सन बोलेंगे किसको सर पर्सन जो है वो पर्सन बोलेंगे किसको पर्सन में कौन कौन आएगा कौन कौन से लोगों को टैक्स भरना पड़ता है क्या हमको भरना है या नहीं भरना कंपनी को भरना है या नहीं भरना फॉर्म को भरना है या नहीं भरना जॉइंट वेंचर को भरना है या नहीं भरना हमारे यहां पे जो म्युनिसपलिटी है पुणे म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन उनको इनकम होती है उनको टैक्स भरना है या नहीं भरना देखते हैं कौन कौन आएगा पर्सन में उसके बाद बोला इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम कल मैंने बताया था टोटल इनकम कैलकुलेट करो उस पर टैक्स लगता है अर्न बाय द पर्सन इन द प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाओगे उस पर असेसमेंट में टैक्स लगेगा हर पर्सन को लगेगा एंड रेट कौन सी लेंगे तो इन्होंने बोला कि टैक्स चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट हर फाइनेंस एक्ट में रेट दे रखी होती है हर फाइनेंस एक्ट में रेट दे रखी होती है और उस रेट से आपको इनकम टैक्स लगेगा आपके एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर रहेगा 23-24 असेसमेंट ईयर है वो 24-25 तो जो फिनेंस एक्ट 2023 में जो रेट दे रखी है उससे आपको टैक्स भरना पड़ेगा एक बात बताओ मुझे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जब बजट आता है तो बजट अगले साल के लिए आता है या जो साल जा रहा है उसके लिए आता है बड़ा लॉजिकल है तो मुझे एक बात बताओ मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि तुम्हारे लिए बजट दो वाला लगेगा आप सोचिए दो वाला 2023 थाउजेंड फाइनेंस एक्ट उसके अगले साल के लिए हुआ होगा यह कब प्रेजेंट हुआ था फर्स्ट फेब 2023 को तो मैं बोलू यह किस पे लगेगा फर्स्ट अप्रैल 2023 से लेके थर्टी मार्च 2024 इस पे लगेगा तो इस ईयर में जो इनकम कमाएंगे उस पे वो वाला बजट लगेगा और उस पे टैक्स है वो अब भरेंगे करके ठीक है तो असेसमेंट ईयर 24-25 पे वो बजट लगेगा लिखेंगे सब चीजें लिखेंगे प्रीवियस ईयर क्या होता है असेसमेंट ईयर क्या होता है सब चीजें अपन लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग दे दो सेक्शन फोर चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन फोर चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स लिखिए नेक्स्ट लाइन में इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट इयर इनकम टैक्स इज चार्ज For every assessment year, income tax is charged for every assessment year. Full stop. It is charged on every person. It is charged on every person. It is charged on every person. Full stop. It is charged on total income. It is charged on total income earned by person in previous year. It is charged on total income earned by person in previous year. Previous year. Full stop. टैक्स इज चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन फिनेंस एक्ट टैक्स इज चार्ज टैक्स इज चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन फिनेंस एक्ट चलिए अब इधर देखिए जिनको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में बताता हूं इधर देखो सब लोग देखो जो ईयर होते हैं ना नॉर्मली एक तो कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं तो एक तो तुम्हारा कैलेंडर ईयर है जो कि कब चालू होता है फर्स्ट जैन और कब कंप्लीट होता है थर्टी फर्स्ट दिसंबर मैं बताऊं हमारे इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर से कोई मतलब नहीं कहीं भी कैलेंडर ईयर का कोई रिलेवेंस नहीं है कैलेंडर ईयर इस काटा मारने का कैलेंडर ईयर से यहां पे कोई मतलब नहीं है हमारे इनकम टैक्स में हर जगह जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर मीन फर्स्ट अप्रैल से चालू होता है और थर्टी फर्स्ट मार्च को कंप्लीट होता है फर्स्ट so अप्रैल से चालू होता है और थर्टी फर्स्ट मार्च को कंप्लीट होता है योर ईयर अब एक बात समझना हमारे यहां पे हर जगह फाइनेंशियल ईयर का रिलेवेंस रहेगा और फाइनेंशियल ईयर में एक ईयर तो वो होगा जिस ईयर में आप इनकम कमाओगे क्या कमाओगे इनकम कमाओगे जिसको अपन बोल सकते हैं ईयर ऑफ इनकम जिस ईयर में आप इनकम कमाओगे मैंने क्या बोला उस ईयर को क्या बोलने का प्रीवियस ईयर क्या बोलने का प्रीवियस ईयर भाई प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाओगे प्रीवियस का मतलब पहले वाला ऐसा नहीं समझने का ये समझ जिस ईयर में इनकम कमा रहे हो प्रीवियस ईयर और जिस ईयर में उसका हिसाब किताब दोगे इवेल्यूएट करोगे इनकम को टैक्स भरोगे उस ईयर को क्या बोलेंगे असेसमेंट तो तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर 2023-24 का मतलब जो फर्स्ट अप्रैल 2023 से चालू होता है और थर्टी फर्स्ट मार्च टू तक कंप्लीट हो जाएगा तो दिस इज कॉल योर ईयर ऑफ इनकम जिस ईयर में इनकम कमा रहे हो दैट इज कॉल प्रीवियस ईयर अब एक बात समझना उस इनकम पे आप अगले साल जाके टैक्स भरोगे तो वो ईयर आपके लिए बन जाएगा असेसमेंट ईयर क्या बोल जाएगा असेसमेंट ईयर तो असेसमेंट ईयर का मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट इज ईयर ऑफ टैक्स करके ईयर ऑफ टैक्स मतलब जिस ईयर में जाके आप टैक्स भरोगे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे आपकी इनकम इवेल्यूएट होगी असेसमेंट होगा तो उसको बोला जाएगा असेसमेंट ईयर अब एक बात समझना आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर होगा टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव मतलब आपका असेसमेंट फर्स्ट अप्रैल 2024 से लेके और थर्टी फर्स्ट मार्च 2025 इस बीच में आपको इवेल्यूएट करके रिटर्न भरना पड़ेगा उस पर टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा समझा के नहीं समझा तो देखो प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में क्या करते हो इनकम कमाते हो और असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर में उस पर क्या भरते हो टैक्स भरते हो दैट इज कॉल योर असेसमेंट यस और नो कॉपी करो इसको फिर इसकी डेफिनेशन लिखें कॉपी करो मृदुल शल्लू भाई शल्लू भाई हमारे में एक बंदे का नाम है शल्लू भाई एक का नाम है दीक्षित तुम्हारी चैट दिख रही है मुझे बोलते हमारी चैट क्यों नहीं देख रहे हो देख रहे हो बेटा तुम्हारी चैट हाँ, 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 हाँ। तुमने तुमने कैलेंडर क्रॉस मारा ही नहीं क्या? ये ये तो तुमने ऐसा बनाया नहीं ये क्या होता है पेज बचाने के रहते हैं बोले कैसे बचा सकते हैं तो यहीं से चालू करो करके ठीक है और यहीं दो बना दिया और बोला ये तो बोला ये ऐसे क्रॉस करने का तो क्या मतलब करके ठीक है भाई साहब ये ऐसा करके क्या हवेली बनाओगे पंकज भाई आगे समझेगा बेटा चलिए बोलो डन अरे बोलो डन नहीं मतलब तुमको ऐसा नहीं बोलना है बोलो डन तुमको बोलना है डन क्या बोलना है डन बोलो डन चलिए नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के लिखिए सेक्शन टू और ब्रैकेट में नाइन लिखिए असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर टू नाइन असेसमेंट ईयर एक बात बताओ इस टू के पास में नाइन लिखा हुआ क्या बोलेंगे क्लॉज या सब सेक्शन क्लॉज या सब सेक्शन सो सेक्शन टू क्लॉज नाइन लिखो असेसमेंट ईयर नेक्स्ट लाइन में लिखो इट मींस इट मींस पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ असेसमेंट ईयर में लिखो इट मीन्स पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स। इट मीन्स पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ कमेंस एवरी ईयर कमेंस एवरी ईयर ऑन फर्स्ट अप्रैल कमेंस एवरी ईयर ऑन फर्स्ट अप्रैल एंड एंड मीन्स पहले ए डी एंड एंड ई एन डी बाद में पहला ए एन डी एंड उसके बाद ई एन डी सो आपने क्या लिखा अरे कमेंट्स एवरी ईयर ऑन फर्स्ट अप्रैल एंड एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एंड एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च स्टॉप इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इनकम Earn in previous year is taxed T A X E D. Income earned in previous year is taxed in assessment year. Text in assessment year. Full stop. It means it means. Assessee paid tax and file his return. It means Assessee paid tax and file his return. Assessee paid tax and file his return of income. Return of income. Return of income in assessment year. In assessment year. Full stop. इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री अब हर जगह प्रीवियस ईयर के लिए आप पी डॉट वाई डॉट लिखोगे कैपिटल में पी डॉट वाई डॉट ठीक है तो इनकम अर्न इन पी वाय ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इनकम अर्न इन पी वाय ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इज टैक्सेबल इन ए वाय टैक्सेबल इन ए वाय ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव टैक्सेबल इन ए वाय ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव टन एक लाइन छोड़ के लिखो सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री सिर्फ सेक्शन थ्री कोई ऐसा आगे पीछे नहीं सेक्शन थ्री लिखो प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर लिखो प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस ईयर में लिखो लिखो इट मींस ईयर इन विच इट मींस ईयर इन विच असेसी अर्न द इनकम इट मींस ईयर इन विच असेसी अर्न द इनकम इट मींस ईयर इन विच असेसी अर्न द इनकम फुल स्टॉप normally previous year normally previous year start from 1st april of every year normally previous year start on 1st april of every year but in case of new business or profession normally previous year start on 1st april of every year but in case of new business और प्रोफेशन न्यू बिजनेस और प्रोफेशन न्यू बिजनेस और प्रोफेशन ब्रैकेट में लिखो न्यू सोर्स ऑफ इनकम ब्रैकेट में लिखो न्यू सोर्स ऑफ इनकम ब्रैकेट क्लोज प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच Previous year start from the date on which new business or profession was set up, new business or profession was set up, or new source of income arise, or new source of income arise, or new source of income arise. टिल थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर और न्यू सोर्स ऑफ इनकम अराइज टिल थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर टिल थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर देखो ये क्या लिखवाया देखो असेसमेंट ईयर बड़ा सिंपल है कि हर साल जो है वो फर्स्ट अप्रैल को चालू होगा एंड थर्टी फर्स्ट मार्च को कंप्लीट होगा जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाया टैक्स असेसमेंट ईयर में भरो देखो प्रीवियस ईयर भी तुम्हारे लिए ट्वेल्व मंथ का ही होता है लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर आपने कोई इनकम नई कमानी चालू की बिजनेस नया चालू किया प्रोफेशन नया चालू किया पहले आप ऐसे ही फालतू में बैठे थे और जैसे ही आपने बिजनेस चालू किया तो तुम्हारा प्रीवियस ईयर उस दिन से चालू होगा जिस दिन आपने बिजनेस चालू किया प्रोफेशन चालू किया या कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आया एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बंदा है जिसका नाम है राजू 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 ने क्या किया अपना बिजनेस चालू किया 10 दिसंबर 2023 इस डेट से उसने क्या किया अपना बिजनेस चालू किया दैट इज इस डेट से उसने बिजनेस चालू किया तो मुझे बताइए इसका प्रीवियस ईयर कब से चालू होगा जब इसने बिजनेस इस डेट को स्टार्ट किया है तो उसका प्रीवियस ईयर चालू होगा 10 दिसंबर 2023 से लेके और कंप्लीट कब तक हो जाएगा 31 मार्च 2024 तो प्रीवियस ईयर इस डेट से चालू होगा 10 दिसंबर 2023 से लेके कंप्लीट होगा 31 मार्च 2024 तक लेकिन गाइस इसका असेसमेंट ईयर पूरे 12 महीने का ही होगा दैट इज फर्स्ट अप्रैल 2024 से लेके और 31 मार्च 2025 तक तो देखो अगर कोई नया बिजनेस चालू करते हैं या नया प्रोफेशन सेटअप करते हैं नया सोर्स का कोई इनकम आता है तो फिर आपका प्रीवियस ईयर जिस डेट को बिजनेस चालू हुआ प्रोफेशन चालू हुआ नया इनकम का सोर्स आया वहां से लेके और 31 मार्च ऑफ दैट ईयर तक रहेगा you got my point or not? Yes. Likho example, niche example. mr. raju. mr. raju. mr. raju started business. mr. raju started business. mr. raju started business. on 10 december 2023. mr. raju started business. on 10 december. 2023, 10 December 2023. Full stop. In this case, in this case, in this case, previous year 2324, in this case, previous year 2324, 2324, start from 10 December 23. ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर स्टार्ट फ्रॉम टेन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड एंड ऑन एंड एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर चलो अपन चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे थे बोलो चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा था बताओ मुझे पहले लिखा हुआ है इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर समझ में आ गया इनकम टैक्स इट इज चार्ज ऑन द एवरी पर्सन पर्सन अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं पर्सन क्या होता है पढ़ेंगे इट इज चार्ज ऑन टोटल इनकम अर्न बाय पर्सन इन द प्रीवियस ईयर एंड टैक्स इज चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट अब अपन चलते हैं इनकम टैक्स हर पर्सन पे लगता है किस पे लगता है हर पर्सन पे लगता है एवरी पर्सन पे इनकम टैक्स लगेगा क्वेश्चन ही आता है पर्सन में कौन कौन आता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि पर्सन में कौन कौन जो लोग हैं वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं तो चलिए मैंने यहां पे क्या किया सीधा अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है वो इनकम नॉट इनकम टैक्स की वेबसाइट जो आईसीआई का मॉड्यूल है वो आईसीआई के मॉड्यूल को सीधा मैं यहां पे लेके आ गया और आईसीआई के मॉड्यूल में देखते हैं कि सर पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है ऐसे कौन कौन से लोग है जिसको हम पर्सन बोलेंगे करके ठीक है तो चलिए यहां पे इन्होंने एक गोला दे रखा है और बोला ये लोग पर्सन है ये लोग जो है वो पर्सन है पर्सन में सबसे पहले इन्होंने बोला इंडिविजुअल इंडिविजुअल को इनकम टैक्स लगेगा मुझे बताओ इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है इंडिविजुअल को इनकम इंडिविजुअल किसको बोलेंगे इंडिविजुअल मतलब ये बोलता है सिंगल पर्सन तो जो कमिटेड है वो वो बोलता है एच बन जाएंगे <laughs> जो सिंगल है बेचारे जो वैलेंटाइन डे पे दूसरों पे चप्पल फेंकते हैं वो इंडिविजुअल अपन ऐसा होता है ना वैलेंटाइन डे पर शिवसेना वाले बनके चले जाते हैं ठीक है शिवसेना बजरंग दल ज्वाइन करते हैं बोलता है तुम प्यार व्यार करने का ऐसे पब्लिक प्लेस में कोई राइट नहीं है अब तो ओयो आ गया बट एक बात होता मुझे हाँ पानी पी ले चलो थैंक यू सर आपने याद दिलाया पानी पीना है करके डॉक्टर ने मुझे बोला है कि पानी पीते रहना है करके दिन में पांच बार चलिए अब एक बात बताओ इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन नेचुरल पर्सन मतलब आप इंडिविजुअल हो मैं इंडिविजुअल हूं आप जिसी भी किसी पर्सन को देखते हो मीन मेल फीमेल थर्ड जेंडर वो सब इंडिविजुअल में आएंगे थर्ड जेंडर इंडिविजुअल में आएगा या नहीं यस और नो आएगा पक्का माइनर चाइल्ड माइनर चाइल्ड इंडिविजुअल है कि नहीं है माइनर चाइल्ड इंडिविजुअल है कि नहीं है आप बताओ हमको क्या पता आप बताओ माइनर चाइल्ड इंडिविजुअल नहीं है तो क्या है वो एक्चुअब है वो माइनर चाइल्ड इंडिविजुअल में आएगा या नहीं आएगा आएगा मतलब माइनर बच्चा कोई है तुम आधे तो माइनर ही रहोगे तो तुम तो इंडिविजुअल हो ही नहीं अगर कोई बोले तुम इंडिविजुअल हो बोला नहीं नहीं हम तो नहीं है इंडिविजुअल तो क्या हो तुम माइनर चाइल्ड इंडिविजुअल में आएगा या नहीं आएगा राइट आंसर इज माइनर चाइल्ड है वो इंडिविजुअल में तभी ब्रेक आ जाता है पता है सीरियल में यही तो होता है कि मीर मरने वाला है और उसकी बीवी को पता चलता हो मीर मर गया और तभी एकदम ब्रेक आ जाता है भाई साहब अपने को लगता है अब अगले दिन वापस देखना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद का तो पता ही नहीं ठीक है सीरियल वाले ऐसा ही तो करते हैं वो पता है वो वाला देखा तुमने वो, वो एक वो लैपटॉप धो लेती है भाई सा मैं मतलब क्या बताऊ लैपटॉप कौन ही धोता है यार वो बंदी ने सोचा गंदा हो गया है तो धो के और वो साबुन वाबुन भी लगा रही है वो मतलब वो वाला साबुन कौन सा वाला फिर सुखा भी रही है डोरी पे ले जाके भाई सा गोपी बहू उसका नाम बोलते हैं गोपी बहू करके तुमको पता है ये जो साबुन होता है ना बर्तन धोने का वो मेरे साथ एक बार ऐसा हो गया कि मैं मुंबई में पहले फेस टू फेस भी पढ़ाता था अब तो नहीं पढ़ा था सर पुणे में आके फेस टू फेस पढ़ाता हूं। तो मैं फेस टू फेस पढ़ाता था तो मेरा एक बच्चा था जो इंटर वाला बच्चा था वो कोकंड का था कोकण करके जो एरिया है तो उधर से एक वो जूस आता है कोकम शरबत करके और कोकम शरबत ऐसे व्हाइट कलर का जो डब्बा होता है ना उसमें पैक हो गया था उसके ऊपर कोई ब्रांड व्रैंड -ब्रे नहीं लिखा होता तो उसने बेचारे ने बहुत मेहनत से मेहनत से मेरे लिए वो वहां से गिफ्ट लेके आया कोकम का शरबत का वो डब्बा तो मैंने घर पे ले जाके रख लिया किचन में मैंने कहा कभी ना कभी पीऊंगा तो एक दिन क्या हुआ कि मैं वापस आया और उसका कलर कौन सा होता है पिंक कलर रहता है मोस्टली रेड और पिंक मतलब इट्स बेसिकली पिंक कलर कोकम शरबत इज ए पिंक कलर मैं एक दिन सुबह सुबह क्लास दस बजे कंप्लीट हुआ फिर मैं घर पे गया और मेरे को किचन में गया तो मेरे को एक पिंक कलर का डब्बा दिख गया और वो डब्बे से मैंने पहले आधा ग्लास भरा वो और फिर आधा गिलास पानी भरा तो उसमें झाग झाग आ गए बट मेरे को लगा भाई कोकम शरबत में आते होंगे झाग। भाई साहब मैंने उसको दो घुट पिया पहले और दो घुट पीने के बाद मेरे को लगा इतना खारा कड़वा क्यों लग रहा है फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी बोलती है ये बर्तन धोने का साबुन है वो कोकम शरबत उधर पड़ा है ठीक है भाई साहब मैं मतलब ऐसा टेंशन में आया मेरे से ज्यादा टेंशन में मेरी मम्मी आ गई मैं फिर क्लास से आया था थका हुआ था मैं सो गया हर पंद्रह मिनट में मम्मी देखने आएगा जिंदा है कि नहीं ठीक है यार मैंने बोला मम्मी को मम्मी ने बोला डॉक्टर के पास चला जा मैंने कहा कोई नहीं होगा कुछ नहीं होगा मुझे ठीक है मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा था मुझे कि भाई उल्टी हो रही है ऐसा कुछ पेट दर्द हो रहा है कुछ भी नहीं है बोलती है पेट साफ हो गया आपका ठीक है वेरी गुड क्या नॉलेजेबल लोग है क्रिकेटिंग है तो मेरे साथ कोकम शरबत का साथ में वो मैंने साबुन पी लिया मेरे दर साथ ऐसी बहुत घटनाएं हुई मैं आपको क्या बताऊं करके एक बार क्या हुआ मेरे साथ बताया तुमको एक देखो एक तो एक <laughs> एक बार क्या हुआ 2017-18 में मैंने गाड़ी खरीदी मतलब ऐसे बड़ी मतलब ऐसा सपना था पहले कि हम बी कार खरीदूंगा तो मैंने बी कार खरीद ली अभी मैंने बेच दी उसको ठीक है पांच साल बाद मेरे को नहीं चाहिए थी तो शौक पूरा हो गया फिर बेच दी मैंने ठीक है <laughs> तो मैंने गाड़ी खरीदी बी एमडब्ल्यू गाड़ी तो अपन यार गाड़ी खरीदेंगे तो अपन खुद ही चलाएंगे ना सीधी सी बात है तो मैं खुद ही चलाता था तो एक दिन क्या हुआ मेरे को गाड़ी सर्विस में देने जाना था तो मैं सर्विस में देने के लिए गया तो गाड़ी की हर चार महीने में सर्विस होती है मैं सर्विस सेंटर गया सर्विस सेंटर जाने के बाद वहां रिसेप्शन पे जो मैडम थी उनको मैंने की दिया उन्होंने मेरी तरफ देखा मैं ऐसे ही बिखरे हुए बाल टी शर्ट पहन के गया था वड्डा नीचे पहना हुआ था और मैं ऐसे ही गया वहां पे तो उसने मुरे को देख के बोला कि अपने सर से बात कराओ <laughs> मेरे को पहली बार में तो समझा ही नहीं कि ये बोल क्या रही है ठीक <laughs> है फिर मैंने वापस पूछा मैडम आप क्या बोल रहे हो तो बोले आप अपने सर से बात कराओ तो मैंने बोला मैं ही खुद ही सर हूं <laughs> मतलब वो समझ रही थी मैं कौन हूं ड्राइवर भाई उसको कहा पता हम गरीब लोग हैं <laughs> अगर भाई गाड़ी भी लेते हमारे ड्राइवर वाइवर नहीं होते करके ठीक है फिर उसने मुझसे बहुत बार सॉरी मांगा कम से कम उसने पचास बार सॉरी मांगा होगा बोले सर सॉरी ऐसा हुआ मैंने कहा आप कैसे कैसे बोल सकते हो मुझे ठीक है मतलब सीधा यार दिल पे लग जाता है मतलब पैसा है क्या बताओ मैं आपको मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हो चुके हैं तो सबसे पहली चीज इंडिविजुअल में एक बात बताओ माइनर बच्चा है वो इंडिविजुअल में आएगा आएगा माइनर क्यों इंडिविजुअल नहीं है इंडिविजुअल तो है ही है उसको इंडिविजुअल बोलेंगे वो इंडिविजुअल है अब एक बात बताओ कोई बंदा ऐसा है जो मेंटली डिस्टर्ब है अनसाउंड माइंड क्या वो इंडिविजुअल में आएगा या नहीं आएगा आएगा या नहीं आएगा आएगा तो मैं बता दू कोई भी लिविंग पर्सन है इंडिविजुअल में आएगा मेल फीमेल थर्ड जेंडर माइनर अनसाउंड माइंड वो सब इंडिविजुअल में आएंगे दूसरा होता है एच यूएफ एच का मतलब होता है ये तो फुल फॉर्म होता है मतलब और फुल फॉर्म में फर्क है ना क्या मतलब ही फुल फॉर्म है अगर मतलब और फुल फॉर्म में फर्क है या मैंने मेरे को पता नहीं था कि एच का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है तो आपने बताया कि में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंस किसको बोलते हैं नॉर्मली आप बताओ ये आपके कहीं पे पढ़ा है ना आपने कहीं पे कहा पढ़ा है बीसी के ओ भाई साहब बीसी के में पढ़ा हुआ है बीसी के में था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है कि अपने हिंदू लॉ में यह बोला हुआ है कि अगर मान लो पति पत्नी मतलब शादी हो जाती है उसके बाद अगर आप चाहो तो एक सेपरेट एंटिटी बना सकते हो सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज कॉल्ड एच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो बिजनेस वगैरह कर सकता है तो एच यू एफ एक अलग एंटिटी हो गया जैसे मैं इंडिविजुअल मेरी बीवी इंडिविजुअल हम दोनों ने मिलाके एक एचयूएफ पर बना दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो वो भी एक पर्सन है लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एचयूएफ बना तो सकते हो मैं आपको बताऊं एचयूएफ जो है वो हिंदू ही बना सकते हैं या मान लो मुस्लिम है या अदर रिलीजन है वो भी एचयूएफ बना तो सकते हैं पारसी नहीं बना सकते मुस्लिम क्या 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 बोध पारसी जैन और सिख लोग तो बना सकते हैं ये बात समझ में जैन जो है जैन जो होते हैं जैन इज हिंदू ओनली ठीक है जो सिख लोग होते हैं वो भी हिंदू ही है तो वो भी एचुअप बना सकते हैं लेकिन मुस्लिम लोग एचुअप बना सकते हैं नहीं तो मुस्लिम लोग एचुअप नहीं बना सकते हिंदू बना सकते हैं जैन बना सकते हैं सिख जो जो लोग हैं वो भी एचुअप बना सकते हैं अब एक बात समझना आजकल फैमिली बिजनेस रहे नहीं सिर्फ चिटिंग करने के लिए लोग एच बनाते हैं क्या करने के लिए चिटिंग चिटिंग क्या बोलते हैं चिटिंग जैसे मैंने भी एक एच बना दिया मेरी वाइफ और हमने एक डीड बना दिया कि हमारा ये बिजनेस है एचयूएफ का और हर साल उससे क्या होता है कि मान लो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता तो हम टू लैख फिफ्टी थाउजेंड की इनकम एच यूएफ में बता देते हैं और उस पर टैक्स नहीं भरते तो कुल मिला आज कोई ऐसे फैमिली बिजनेस रहे नहीं बट तो भी लोग चिटिंग करने के लिए एच बनाते हैं और टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक की इनकम है वो एच में बताते हैं मैं बताऊं इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो आने वाले टाइम में चेंज होने वाला है मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस एक्ट को ओवरराइड कर दिया जाएगा और नया एक्ट लेके आया जाएगा और उस नए एक्ट का नाम होगा शायद डीटीसी दैट इज डायरेक्ट टैक्स कोड करके क्या बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स कोड क्योंकि ये इनकम टैक्स है ना बहुत पुराना हो गया है बहुत पुराना हो गया है सेक्शन भी ऐसे अलग अलग तरीके से हो गई है कुछ सेक्शन डिलीट कर दी कुछ नई सेक्शन डाल दी 35 में 35 ए फिर बी थर्टी फाइव बी फिर बीबीडी पता है क्या क्या डाला है करके ठीक है तो इतना ज्यादा यस व्यस्त हो चुका है तो आगे जाके ये नया लॉ लेके आएंगे जिसको डायरेक्ट टैक्स कोड बोला जाएगा उसका उन्होंने प्रपोजल लाया था बहुत पहले 2008 से ऐसा बात चल रही है कि नया लॉ लाएंगे इनकम टैक्स को इसको हटा के नया ही लॉ ला लेंगे और उसमें उन्होंने एच को हटा दिया है नए लॉ में एच को पर्सन में ही नहीं रखा कि चाहिए ही नहीं एच का ऐसा कुछ होता नहीं है सिर्फ चिटिंग पर्प के लिए होता है करके ठीक है एंड नाउ वी वॉन्ट यूनिफॉर्म एवरीथिंग करके ठीक है हिंदू मुस्लिम में भी क्यों डिस्क्रिमिनेट करें कि हिंदू तो एचयूएफ बना सकता है मुस्लिम नहीं बना सकता ऐसा क्यों तो बोला कि अपन क्या करेंगे एचयूएफ़ कंसेप्ट को ही निकाल देंगे तो अगर जब डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तब एच को निकाल दिया जाएगा एच यूएफ नहीं होगा पर्सन में बट आज की डेट में है अब एक बात बताओ एचय में जितने भी लोग होते हैं उस फैमिली में मतलब जैसे मान लो मैं हूं मेरी बीवी है हमारे जो बच्चे मतलब मैं मेरी बीवी मेरा बेटा मेरी बेटी उसके बच्चे बच्चिया जो है अगर बंटवारा जब तक नहीं होता तो वो उसी एचयूएफ के पार्ट माने जाएंगे और एचयूएफ के पार्ट जो भी लोग होते हैं उसको क्या बोला जाता है मेंबर क्या बोला जाता है मेंबर क्या बोला जाता है मेंबर mm -hmm. लेकिन एचयूएफ में कुछ लोग को पार्टनर्स रहते हैं क्या होते हैं को पार्टनर्स को पार्टनर्स किसको बोलेंगे एक तो होता है मेंबर मतलब मैं मेरी बीवी मेरा बेटा मेरी बेटी उनके बच्चे ठीक है वो सब को पार्टनर है क्या है नहीं वो सब मेंबर है क्या है मेंबर बट एक होता है को पार्टनर को पार्टनर किसको बोलते हैं को पार्टनर्स को पार्टनर्स हाँ ए, ए प्लीज ही समथिंग गुड जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं या जो झगड़े में पार्टिसिपेट ऐसे फैमिली अगर ड्रामा हो झगड़ा हो तो पार्टिसिपेट करते हैं और हर फैमिली में अपने इंडिया में भाई भाई में झगड़े तो पक्का होते हैं ना मेरे को इतने बच्चे मिलते हैं ना और हर बच्चे को हर बच्चा यही बोलता है कि मेरे पापा को मेरे अंकल ने धोखा दिया है मतलब हर किसी के घर में यही है हर किसी के पापा को किसने धोखा दिया है अंकल ने या बड़े पापा ने बट मुझे आज तक वो अंकल का बेटा नहीं मिला मुझे जो बोले कि मेरे पापा ने उनके पापा को धोखा दिया है ठीक है अल्टीमेटली मुझे वो वाला बंदा नहीं मिला आज तक जो अंकल का बेटा जो ये बोले कि मेरे पापा ने मेरे दूसरे वाले जो बड़े पापा है या अंकल उनको धोखा दिया है तो वैसा मैं ही बोल रहा हूं कि एच में एक होते मेंबर और एक होते को पार्टनर्स फर्क क्या है देखो उस एच में जो लीनियर डिसेंडेड मतलब जो उसके अंडर आते जब मैं हूं मैं मान लो मेरा परिवार अब अलग हो गया मान लो पापा का में मैं मैं पहले मेंबर था बट अलग हो गया तो मैंने मेरा बना दिया तो मैं मेरी मेरी बीवी मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे बेटे की बीवी मेरी बे, मेरी जो बेटी का हस्बैंड नहीं होगा हमारा मेंबर करके ठीक है बट मेरी बेटी मेंबर है मेरे एच की तो ये तो सब मेंबर है लेकिन उसमें से को पार्टनर कौन होते हैं पता है जिनके पास बंटवारे का राइट होता है जो फैमिली प्रॉपर्टी है और फैमिली प्रॉपर्टी में जो बंटवारे का जिनके पास में राइट होता है जिनके पास में पार्टीशन का राइट होता है पार्टीशन करेंगे बंटवारा करेंगे तो हमको असेट मिलेगी उसका जिनके पास राइट है उनको को पार्सनर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं को एचयूएफ तो एच में में सब में बट बेटा को पार्टनर उन्हीं लोगों को बोला जाएगा जिनके पास में बंटवारे का हक होता है और बंटवारे में जिनको संपत्ति या प्रॉपर्टी जो बोलते हैं वो बांटी जाती है उनको बोला जाता है को अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात समझो मैं मतलब मैं, मैं, मैं बीबी सर ठीक है चलो ये मैं हूं ये ये मैं हूं ठीक है बाल थोड़े थोड़े हैं तो हलो लो ये मेरी बीवी है ठीक है बीवी के भी थोड़े थोड़े बड़े बाल करते गुस्सा हो जाएगी ठीक है ये मैं हूं मैं, ये, मैं ये ये बीबी है और ये मिसेज बीबी है ये कौन है मिसेज बीबी अब हमारी मेहनत से मान लो दो बच्चे हुए ये दो बच्चे हुए ये और एक ये इसका नाम है मास्टर बीबी मास्टर बीबी और लड़की को क्या बोलते हैं मिस बीबी थोड़ी बोलेंगे नहीं मिस इनके नाम दे देते हैं इसका नाम है गुड्डा और इसका नाम है गुड़िया गुड़िया इसका नाम क्या है गुड़िया अभी गुड्डे की शादी शादी कराई गुड़िया से नहीं गुड़िया बहन है करके ठीक है तो ये गुड्डा है गुड्डे की शादी हो गई शादी हुई ये बोलता निब्बी से ठीक है आपका बेटा निब्बा ठीक है तो गुड्डा को बोलते थे निब्बा और इसकी शादी किससे हुई निब्बी निब्बी तो ये मैं ये मेरी बीवी मेरी वाइफ ये मेरा गुड्डा और ये उसकी बीवी निब्बी तो मेरी ये 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 मेरा बेटा सन और सन की बीवी को क्या बोलते हैं सन्स वाइफ या डॉटर इन लॉ सन्स वाइफ बोलो या डॉटर इन लॉ ठीक है हाँ क्या बोल रहे हैं पाप लगेगा पाप पता है मेरे बारे में अगर बुरा सोचा मेरे बारे में गलत सोचा इतना बुरा हस्बैंड मिलेगा ना रोज दारू पी के आएगा ठीक है <laughs> ये बोलती है हम तो साथ में बैठ के पियेंगे तो <laughs> <laughs> मेरे को एक बात बताओ मेरे एच में इतने मेंबर है मतलब मैं हूं मेरी बीवी है गुड्डा है निब्बी है और गुड़िया है अब एक बात बताओ ये सब मेंबर है मैं भी मेंबर ये भी मेंबर ये भी मेंबर ये भी मेंबर ये भी मेंबर बट इसमें से बंटवारे का राइट किसके पास होता है पता है एक तो इसमें जब बंटवारा होगा एच यूएफ का संपत्ति किस किस में बांटी जाएगी पता है मेरे को संपत्ति मिलेगी और मेरी जो एच की प्रॉपर्टी है जब इनमें बंटवारा होता है तो क्वेश्चन ये आता है कि लड़की का राइट है एच यू एफ की मतलब डॉटर का राइट अपने पापा की प्रॉपर्टी में है या नहीं है तुमको क्या लगता है है, है या नहीं है डॉटर को क्या समान अधिकार या समान हक है या सिर्फ सन को ही मिलेगा राइट आंसर सेम राइट है या नहीं है यस और नो राइट आंसर इस टू थाउजेंड फाइव से पहले नहीं था 2005 से पहले बेचारी गुड़िया जो है वो गुड़िया को कोई राइट नहीं था बोला पापा की प्रॉपर्टी में तुमको बेटा राइट नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में पहले से ऐसा माना जाता है कि मम्मी पापा पापा की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बेटे को मिलेगी बेटों में बटेगी बेटिया में नहीं बिटेगी क्योंकि बेटिया बे, बेटी जो है वो तो क्या बोल रहे हाँ बेटी जो है वो तो पराया धन है घर की ठीक है उसको तो कहीं ना कहीं भेज दिया जाएगा किसी के साथ में शादी करवा के तो उसकी शादी वादी पर खर्चा कर लिया गया तो उसको बेचारी को कुछ नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा जितना इस गुड्डे का निब्बे का हक है उतना का उतना इस गुड़िया का भी हक है तो अगर मैं बोलू कि जब ये भी बंटवारा करा सकती है गुड़िया तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे को पार्सनर क्या बोलेंगे को पार्सनर तो ये जो गुड्डा है निब्बा ये भी को पार्सनर है और गुड़िया है ये भी को पार्टनर है मुझे भी प्रॉपर्टी मिलेगी मेरी वाइफ को और इस निब्बी को मेरी वाइफ को एंड निब्बी को निब्बी जो है ये मेंबर तो है लेकिन ये को पार्टनर नहीं है मेंबर तो है लेकिन ये को पार्टनर नहीं है लेकिन ये निब्बी जो है ये इसके पापा के एच में को पार्टनर है या नहीं है भाई इसके पापा की प्रॉपर्टी में जब बंटवारा होगा तो उसमें ये जो पापा की परी है इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा हिस्सा मिलेगा तो उनके एच में वो को पार्टनर है बट हमारे एच में वो को पार्टनर नहीं है समझा के नहीं समझा समझा के नहीं समझा तो देखो एच एक ऐसा स्टेटस है एक अलग एंटिटी माना जाता है अलग पर्सन माना जाता है जिसमें जैसे जो मेल मेंबर है उसके अंडर जितने भी लोग रहते हैं उसकी बीवी उसके बच्चे सब आ जाते हैं उनके लाइक like, स्पाउस है मतलब मेरे बेटे की वाइफ है डॉटर इन लॉ वो भी आ जाती है वो मेंबर है बट वो को पार्टनर नहीं है को पार्टनर उन लोगों को माना जाता है जिनमें बंटवारे का हक होता है बंटवारे का पैसा जिनको मिलता है दैट इज द को पार्टनर डॉटर्स को अपने फादर के एच में को पार्टनरी राइट है वो बंटवारा करा सकती है पैसा ले सकती है प्रॉपर्टी ले सकती है बट उसके ससुराल वालों के एच में उसका को पार्टनरी राइट नहीं है तो मेरी बीवी का एंड निब्बी का ये मेंबर है बट ये को पार्टनर नहीं है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक बात समझना हमारे हिंदू लॉ में टू स्कूल ऑफ थॉट होते हैं टू स्कूल्स होते हैं वन इज द आपने नाम सुना होगा दया भागा एंड वन इज द मिताक्षरा नाम सुना दया भागा पहली बार सुन रहे कोई बात नहीं करके ठीक है एक होता है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में दो हिंदू लॉ है वन इज द दया भागा स्कूल ऑफ लॉ एंड वन इज द मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ ये जो दया भागा जो स्कूल ऑफ लॉ है ना ये सिर्फ वेस्ट बंगाल एंड अस, असम में लगता है आसाम में एंड वेस्ट बंगाल में लगता है दैट इज दया भागा एंड मिताक्षरा है वो पूरे इंडिया में लगता है वेस्ट बंगाल एंड आसाम को छोड़ के अब आप बोलोगे इसमें फर्क क्या है तो देखो पहले हम बात करते हैं मिताक्षरा की जो पूरे इंडिया में लग रहा है अपन महाराष्ट्र में बैठे हैं तो महाराष्ट्र में मिताक्षरा चलता है मिताक्षरा क्या बोलता है क्या अगर फैमिली में किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है अगर उसने उस फैमिली में जन्म लिया है तो उस फैमिली में प्रॉपर्टी का हक उसका है भले वो निठल्ला है कैसा भी है आप उसको दखल बेदखल नहीं कर सकते फैमिली की प्रॉपर्टी है तो जन्म से उसका उसमें अधिकार है दैट इज कॉल्ड मिताक्षरा तो आज आप जैसे भी हो अगर आपके घर में प्रॉपर्टी है फैमिली प्रॉपर्टी है तो तुम्हारा हक उसमें है तुम आज कोर्ट जाके अपना हक मांग सकते हो ठीक है कोर्ट जाके बोलो कि देखो मेरे को जन्म लिया इस परिवार में मेरे को पता नहीं था ये ऐसे निकलेंगे बट मैंने जब जन्म लिया है मेरी मर्जी से नहीं लिया मैंने ठीक है अब मेरी मर्जी चलनी चाहिए तो मैं जो इनकी प्रॉपर्टी है मेरे को मेरा हक निकाल के दे दो उसमें से मेरे को बंटवारा करके जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसको दे दो दैट इज कॉल मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ जो पूरे इंडिया में चलता है वेस्ट बंगाल एंड आसाम को छोड़ के लेकिन दया भागा जो वेस्ट बंगाल और आसाम में लगता है उसमें क्या होता है कि भाई साहब जब तक पापा जिंदा है प्रॉपर्टी उसी उन्हीं की है आपका उसमें कोई हिस्सा नहीं घर से वो अगर लात मार के डैश पे डैश दे के बाहर निकाल दे करके ठीक है बाहर निकाल दे आपको ठीक है तो भी आप डैश पे डैश कुछ भी आप नहीं मांग सकते वो होता है वेस्ट बंगाल और आसाम में आप कोर्ट में जाओगे बोलोगे हमको प्रॉपर्टी दे दो बोले तुम्हारा तो, तुम्हारे पापा जो है वो अभी जिंदा है और उन्हीं का हक है वो जब चले जाएंगे तब तुम्हारा हक आएगा उससे पहले तुम्हारा हक नहीं आएगा दैट इज कॉल्ड दया भागा स्कूल ऑफ लॉ और दया भागा कहां चलता है सिर्फ वेस्ट बंगाल एंड आसाम में और पूरे इंडिया में बाकी जगह क्या चलता है मिताक्षरा तो मिताक्षरा बोलता है कि आज आप जो हो भले आपके घर वाले आपको पसंद करें ना करें ना करके ठीक है आप चाहो तो अपना हक मांग सकते हो आज भी लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल में पढ़ रहे हो भैया कोलकाता वालों ठीक है आसाम गुवाहाटी वालों आपका कोई हक नहीं है आप गरीब हो करके गर ठीक है भले पापा पैसे वाले हैं तो वो पैसे वाले आप गरीब हो आपका कोई भी हक नहीं है जब तक वो है अगर वो नहीं है तो फिर इनहेरिटेंस में आपको प्रॉपर्टी वगैरह का हक मिलता है तो देखिए यहां पे दोनों में डिफरेंस दे रखा है समझने की कोशिश करना वन इज द मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिताक्षरा दैट इज इन रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब पूरे इंडिया में लगेगा आसाम और बंगाल को छोड़ के ये क्या बोलता है वन एक्वायर द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ जैसे ही जन्म हुआ फैमिली प्रॉपर्टी में आपका राइट है मुकेश अंबानी के घर में मुकेश अंबानी के बेटे का नाम क्या है? आकाश अंबानी आकाश अंबानी के बेटे का नाम आकाश अंबानी का बेटा अनंत है ओ भाई <laughs> तो आकाश अंबानी का जो बेटा हुआ अभी ठीक है उसका उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी में राइट है क्योंकि वो जन्म से ही राइट ले लेता है तो यहां क्या लिखा हुआ है वन एक्वायर द राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय हिज बर्थ एंड नॉट बाय दक्सेशन इर रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हिज एल्डर आर लिविंग भले मान लो जैसे मान लो अपने पापा है वो सब जिंदा है अंकल वंकल जिंदा है बट अपना जन्म हुआ है तो हम हमारा राइट मांग सकते हैं दस एवरी चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली एक्वायर अ राइट और शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी जैसे ही जन्म होते ही अपन करोड़पति पैदा हुए करके ठीक है अगर फैमिली करोड़पति है तो बट यहां पे बेटा वेस्ट बंगाल एंड आसाम में भले फैमिली करोड़पति है बट आप गरीब ही हो क्या हो आप गरीब तो देखिए क्या लिखा हुआ है नो बडी एक्वायर द राइट और शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग जब तक हेड ऑफ द फैमिली लिविंग है आपका कोई राइट right नहीं है आप गरीब हो क्या हो गरीब दस द चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर एनी राइट शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज हिज फादर इज लाइफ only on the 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 death of the father father children will acquire right or share in the property hence the father and his brother would be co-partner डेथ ऑफ द फादर दिल्ड्रनवायर राइटेर मान लो दादाजी की डेथ दादा हुई तो दादाजी के जो बेटे हैं ना उनको वो को पार्टनर है उनके बच्चे गरीब है क्या है बच्चे गरीब लेकिन यहाँ पे भैया ऐसा कैसा है भले अपने दादाजी की डेथ हो गई तो दादाजी के बाद पापा को भी मिलेगा अंकल को भी मिलेगा बट अपना भी राइट है अपना भी राइट है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो को पार्टनर बन जाता है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो को पार्टनर बन जाता है लेकिन अगर मैं दया भागा की बात करूं बंगाल और आसाम की बात करूं वहां पे आप जन्म से को पार्टनर नहीं बनते हैं जब तक पापा जिंदा है पापा को पार्टनर है पापा के जाने के बाद उनके बेटे है वो को पार्टनर रहेंगे यू गॉट माई और नॉट अरे यस और नो Yes or no. हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं पहले मैं प्रैक्टिस करता था बोलते थे हमको एच बना के दो हम बोलते थे कि भाई तुम बना के लाओ हम उनका रिटर्न फाइल करेंगे क्या करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न बोल गए हम और एच बना के दो हम एच कैसे बनाएंगे भाई तुमको बना के लाना है हाँ बोलना कोई एक फैमिली है हाँ नहीं मिला हम्म कोर्ट में जा सकती है कोर्ट में जा सकती है और राइट right डिमांड कर सकती है कोर्ट अगर मान लो क्या होता है मेनी टाइम व्हेन देर इज बेनिफिशियल लॉ ना तो कोर्ट ऐसे जजमेंट देती है कि भाई इसको मिलना चाहिए करके ठीक है हाँ बोलो किसका स्पाउस का देखते हैं क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन में देखते पार्स नहीं है वो हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में तो देखो यार आज आप ये बोलते को इक्वल राइट है। बट हमारे तो बेचारी मतलब जो अपनी भुआ होती है या अपनी सिस्टर होती है उनको क्या करते हैं बुलाते हैं और उनसे साइन करा के ले लेते हैं है आपको साइन करा के पहले डॉक्यूमेंट ले लेते हैं बोलते है भाई तेरा कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी वगैरह में तो कानून में तो बोला हुआ है कि मिलना चाहिए बट जो है उसने क्या बोलते हैं लोग जो है आज भी अपना जो इंडिया है उसमें थोड़ा ऐसा मेल डोमिनेट समाज रहा है पहले से तो बेटी तो पराया धन है करके ठीक है तो बेटी के पास राइट नहीं देते लोग प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देते बट आप लड़ाई कर सकते हो करके ठीक है आपको अगर आपके घर वाले राइट ना दे बोलना मैं को पार्टनर हूं करके ठीक है आपको मैं बताता हूं आज ही सर ने बताया देखता हूँ हाँ सर वेस्ट बंगाल और आसाम में क्यों मेरे को इसमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि ऐसा हिंदू लॉ में क्यों डाला देखो हिंदू लॉ से रिलेटेड इनकम टैक्स में कुछ नहीं दे रखा बट वहां के लिए जो हिंदू लॉ में कुछ स्पेसिफिक उधर की मान्यता रहेगी उस वैसे डाला होगा करके नॉर्मली चलिए एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन चलिए आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर सेवन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है ये आपकी बुक में क्वेश्चन है बट आपके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं आप इधर देखिए बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है द जैन एच यूएफ इन द आसाम कहां पे है तो आसाम में दया भागा भागा लगेगा क्या है जैन एचयूए इन आसाम कंप्राइजेस ऑफ द सुरेश जैन हिज वाइफ मिसेस सपना जैन तो एक सुरेश जैन है उसकी बीवी सपना जैन है हिज सन मिस्टर सार्थक जैन हिज डॉटर इन लॉ मिसेस प्रीति जैन ज डॉटर मिस सीमा जैन हिज डॉटर मिस सीमा जैन एंड हिज अनमेरिड ब्रदर मिस्टर प्रीतम जैन विच ऑफ द मेंबर ऑफ एच यू एफ आर एलिजिबल फॉर द को पार्सनरी राइट बंटवारे का राइट इनमें से किसके पास है जब यह आसाम में है सुरेश जैन जिंदा है उनकी बे उनकी बीवी है उनका बेटा है सार्थक बेटे की बीवी है प्रीति उनकी खुद की डॉटर है सीमा और उनका भाई है प्रीतम चलिए किस किस के पास में को पार्सनी राइट है बंटवारे का पैसा किसको मिलेगा किसके पास राइट है बंटवारे हम्म राइट आंसर इज अ सुरेश एंड उनका भाई प्रीतम जैन इन दोनों के पास बंटवारे का राइट है आई अज्यूम दैट सुरेश के पापा जिंदा नहीं है तो उनके बारे में बताते ना तो सुरेश और उनके भाई प्रीतम के पास ही बंटवारे का राइट है बाकी सुरेश के बच्चों के पास नहीं है लेकिन एक बात समझो अगर मान लो ये आसाम की जगह यहां वर्ड राजस्थान देते तो मुझे बताइए इसमें को पार्टनर कौन कौन होते एक तो सुरेश होता एक प्रीतम होता एक सार्थक होता और एक सीमा होती मतलब अभी भी बेचारी सपना जैन को एंड प्रीति जैन को कुछ भी नहीं मिलता करके ठीक है सपना जैन एंड प्रीति जैन है उनके पास को पार्टनरी राइट नहीं होता यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस तो चलिए देखिए आंसर में क्या दे रखा है Dayabhaga School of Hindu law is prevalent in the Assam. In Dayabhaga School of Law, nobody acquired the right share in the property by birth as long as the head of the family is living. Thus, the children do not acquire any right or share in the family property as long as his father is alive, and only on the death of the father, the children will acquire the right or share in the property.

ये तो चाहते ही है, हम घर जवाही बना दे चलिए उसके हां एडोप्टेड चाइल्ड देखो एक तो होता है ना चाइल्ड का मतलब हमेशा एडोप्टेड चाइल्ड भी भी आता है आपके चाइल्ड में आपके चाइल्ड में एक तो आपका लीगल चाइल्ड जिसका सकल भी आपसे मिलता है दैट इज कॉल लीगल चाइल्ड ठीक है एक होता है स्टेप चाइल्ड स्टेप चाइल्ड को भी आप एचयूएफ का पार्ट बना सकते हो स्टेप चाइल्ड स्टेप चाइल्ड का मतलब होता है स्टेप चाइल्ड मतलब इल्लीगल चाइल्ड ओ भाई मैं मर जाऊं मैं सिंदूर मिटा दू मेरा ठीक है मैं हाथ की छुड़ियां फोड़ दू क्या बोल रही है ये बोलती है स्टेप चाइल्ड स्टेप चाइल्ड मतलब जैसे मान लो आपने किसी आंटी से शादी की उनके ऑलरेडी दो बच्चे हैं तो वो भी तुम्हारे चाइल्ड माने जाएंगे दैट इज कॉल्ड स्टेप चाइल्ड अब मैं तीसरे पे आ रहा हूं ना पहले स्टेप पे तो रुक जा दैट इज स्टेप चाइल्ड तो एक तो लीगल चाइल्ड एक स्टेप चाइल्ड एक लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड क्या बोला है मैंने लीगली अडॉप्टेड जो आपने लीगली अडॉप्ट किया है लीगली मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके वो अभी आपका चाइल्ड माना जाएगा ऐसा नहीं बच्चा हो नहीं रहा था बाहर से गली से जा रहा था उठा के ला लिया अंदर बोला बोल पापा ठीक है नहीं वो वो नहीं मतलब इट शुड बी द लीगली अडोप्टेड चाइल्ड है वो आपका चाइल्ड माना जाएगा तो बेटा में आपका खुद का चाइल्ड स्टेप चाइल्ड लीगली अडोप्टेड चाइल्ड विल बी द पार्ट ऑफ दैट ठीक है अब एक लास्ट क्वेश्चन उसके बाद जा रहे हैं लास्ट बाद पूछ लेना ठीक है वट आर द टू स्कूल ऑफ लॉ वेयर दे प्रिवेल एंड एक्सप्लेन ऑल्सो मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कूल ऑफ हिंदू लॉ तो एक और क्वेश्चन ये है कि आप बताइए टू स्कूल ऑफ हिंदू लॉ कौन से हैं ये कहां कहां पे लगते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है तो बड़ी सिंपल है दो स्कूल ऑफ लॉ वन इज द मिताक्षरा वन दिताक्षराज दया दया भागा कहां पे लगता है आसम एंड वेस्ट बंगाल मिताक्षरा कहां पे लगता है पूरे इंडिया में दोनों में फर्क क्या है दया भागा में जब तक पापा जिंदा है बच्चों को को नहीं, राइट नहीं मिलते हैं एंड गाइज मिताक्षरा में क्या होता है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसको फैमिली प्रॉपर्टी में राइट मिल जाता है समझा के नहीं समझा डन यस yes. तो बज बजके क्या ओ भाई साहब कल से अपन प्रैक्टिकल चालू करेंगे आज भी अपना थियरी था कल अपन एक एक पर्सन को डिफाइन करेंगे दो को अपन ने अभी तक देखे हैं, वन इज द इंडिविजुअल वन इज द एचयू, कल मैं पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी एओपीबीआई लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे जाऊंगा चलो आज के लिए इतना बहुत है कल कंटिन्यू करते हैं थैंक्स पीपल सी यू टूमो बाय सेवन थर्टी बाय